Assalamu alaikum, dear students. So I am here with the last chapter of your finishing touch of my portion from class 12th physics, that's modern physics. Modern physics एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए. आप सबको पता होना चाहिए कि मॉडर्न फिजिक्स से कम 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर 6 क्वेश्चंस पूछे गए तो मल्टीप्लाइड बाय 4 इट इज 24 मार्क्स, है ना. मतलब 25 मार्क्स के करीब जो है आपको मॉडर्न फिजिक्स दिला सकता है. और मैं बिलीव करता हूँ ये उतना जो है मुश्किल चैप्टर है ही नहीं, जैसे अगर आप बाकी चैप्टर्स की बात करें फिजिक्स में उनके कंपैरिजन में आसान और जो है आपका आपका स्कोर बढ़ाने वाला चैप्टर है. तो आप जो है इस चैप्टर में मेहनत करिए. मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मैं इसके साथ इंसाफ करूं इस कम टाइम पीरियड में भी. मैंने इसके 2 लेक्चर्स रखे हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2. आज ही दोनों आ जाएंगे. लेक्चर 1 के बाद हम ब्रेक लेंगे थोड़ी सी और उसके बाद लेक्चर 2 आ जाएगा. एंड आई विल कवर एवरी टॉपिक जो इस सेक्शन से पूछा जा सकता है. अगर आप देखेंगे इसमें रदरफोर्ड पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पे, बोहर्स मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इवन आपके जो है दैट रेडिएशन प्रेशर एंड ऑल दैट से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है. सो ओवरऑल दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू ऑल अदर चैप्टर्स ऑफ योर फिजिक्स. जो आपके बाकी चैप्टर्स फिजिक्स में है उनके कंपैरिजन में अच्छा इस हिसाब से, क्योंकि इसका जो है ये आपको तकरीबन 24 या 25 मार्क्स जो है आपके एंट्रेंस में दिला सकता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए आप भी मॉडर्न फिजिक्स में बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि ऐसा और कोई चैप्टर नहीं है जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में हर साल पूछे जाते हो. तो इसलिए आप भी मेहनत करिए, मैं भी करूंगा, और हम मॉडर्न फिजिक्स को जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के आगे चलते हैं. इसमें जो है मॉडर्न फिजिक्स में दिस इज एक्सपेक्टेड, मैंने लिखा है 6 क्वेश्चंस. एक्सपेक्टेड 6 क्वेश्चंस मींस 24 मार्क्स, और 24 मार्क्स जो है बहुत होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन कंपैरिजन टू ऑल अदर चैप्टर जो आपके फिजिक्स में. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है मेरे पास, जो इस फिनिशिंग टच को हमने डिवाइड किया डिफरेंट टीचर्स में. मॉडर्न फिजिक्स मेरा लास्ट चैप्टर था, और बाकी जो है मैं देखूंगा 11th में कौन सा पार्ट जो है आपके साथ मैं डिस्कस करूँ, बट कंप्लीट्स अवर 12th पार्ट जो मेरे पास आपका था. अब जो है पहला एटम, तो मैंने बोला एटम से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, एक रदरफोर्ड से और एक बोहर से. ठीक है, एटम देखिए, एटम के बारे में, एटम इज अ टर्म एक्चुअली गिवन बाय डाल्टन, एंड एटम मींस नॉट एंड टर्म मींस डिविजिबल. एज पर डाल्टन टर्म जो है डाल्टन ने ही कॉइन की थी, और उसने कहा कि फर्दर जो एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते. फिर डिफरेंट लोग आए इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ एटम, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है. तो उसमें थॉमसन्स मॉडल एक है जो रिजेक्ट हो गया, बट उस समय उतना काम करना जब आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी चीज़ें नहीं थी, तब भी इतना काम करना, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके एफर्ट्स को, क्योंकि जब उन्होंने स्टार्ट किया तब जाके खेल जो है फिर आगे बढ़ा. उसके बाद जो है रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया, तो वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत कम जो है एक छोटा सा ड्रॉबैक है, जिसको फिर बोहर ने कंटिन्यू किया और हमारे पास मॉडल आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. बट यहाँ से आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं. तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम मैंने डायरेक्टली रखा है. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में रदरफोर्ड ने कहा दैट एज पर रदरफोर्ड द होल मास एंड द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्फीयर इन एन एटम कॉल्ड एज न्यूक्लियस. रदरफोर्ड का सिंपल स्टेटमेंट था कि सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसा उसने देखा जिसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जिसपे उसने बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स को ऑन अ वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल. तो जो कंक्लूजन्स जो उस एक्सपेरिमेंट से बाहर आए, तो कंक्लूजन ये था कि एटम के अंदर एक छोटा सा स्फीयर है जिसमें सारा मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिसका नाम पड़ा न्यूक्लियस, और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस घूमते हैं. तो ये न्यूक्लियस मैंने यहाँ पे दिखाया, और ये फिर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ दैट न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड्स मॉडल में, तो ये पूरा एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, और फिर जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को फायर किया, तो ये अल्फा पार्टिकल्स को जब फायर किया गया, अल्फा पार्टिकल्स चूंकि हीलियम 24 होता है, हीलियम 24 न्यूक्लियस होता है, हीलियम 24, तो ये न्यूक्लियस होता है हीलियम का. ठीक है, पॉजिटिव चार्जेड इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के, तो जब ये बम्बार्ड हुए इस पर, तो देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, दैट मींस दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज वैकेंट, ये सारी जगह जो है खाली है. एंड फिर सम अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिवेटेड बाय स्मॉल एंगल्स. ठीक है, एंड सम गॉट डिवेटेड बाय लार्ज एंगल, जो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक आए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है, न्यूक्लियस खुद पॉजिटिव है, और उसने डिफ्लेक्शन दिखा दिया. एंड वो पार्टिकल जो बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस, सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस की तरफ आया, वो रिबाउंड बैक हुआ. तो 1 in 8,000 रिबाउंडेड बैक. दिस कन्फर्म्स दैट देयर इज अ वेरी स्मॉल स्फीयर इन एन एटम.
व्हाट रदरफोर्ड कॉल्ड एज न्यूक्लियस. सो टर्म न्यूक्लियस जो है रदरफोर्ड ने ही कॉइन की है. तो इसमें यह है कि वो अल्फा पार्टिकल जो फायर किए गए, मान लीजिए यहां से अल्फा पार्टिकल फायर हुए, यहां से अल्फा पार्टिकल फायर हुए, तो जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल एक्सीज पे चला गया वो वापस आया. इसका नंबर आप जानते हैं 1 in 8000, ये आप थ्योरी में पढ़ेंगे, 1 in 8000 पार्टिकल्स रिबाउंडेड बैक जो एक्सीज पे चला गया. और जो ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल यहां आके जो है इसका पाथ ये था, बट पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो ये डिफ्लेक्ट हुआ बाय स्मॉल एंगल. तो ये हो गया छोटे एंगल से डिफ्लेक्शन, छोटे एंगल से जो है डिफ्लेक्शन. बट ये रिबाउंडेड पार्टिकल है, जो दूर गया उसका ज्यादा कम डिफ्लेक्शन आया, जो नजदीक आया उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा था, बट जो बिल्कुल एक्सीज पे आया वो रिबाउंड होकर वापस भी चला गया. अब देख लीजिए, अब जब आप अल्फा पार्टिकल को फायर कर रहे हैं, जब आप अल्फा पार्टिकल को बच्चों फायर कर रहे हो, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके वेलोसिटी वेक्टर में और जो सेंट्रल एक्सिस है, ये जो है आपने इसको कुछ वेलोसिटी वेक्टर से फायर किया होगा. अल्फा पार्टिकल को आपने टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस, टुवर्ड्स दिस एटम फायर किया, तो उस वेलोसिटी वेक्टर और जो सेंट्रल एक्सिस जो न्यूक्लियस से पास हो रहा है, उनमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस बी को हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर. तो इंपैक्ट पैरामीटर में इसमें जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंपैक्ट पैरामीटर. अब जो अल्फा पार्टिकल बच्चों, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पे चला गया, तो उसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही खत्म हो गया, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस पे आके जो है जब न्यूक्लियस को सेंटर ऑफ मास को हिट करने जाएगा तो उसका इंपैक्ट पैरामीटर जीरो होगा, और वही पार्टिकल 1 in 8000 वाला रिबाउंड बैक करेगा. तो इस चीज को हम इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं. अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है सर, देख लीजिए. अब जो अल्फा पार्टिकल इस सेंट्रल एक्सिस पे चला गया, जिसका मैंने बोला इंपैक्ट पैरामीटर जो है जीरो है. सर इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर विद विच अल्फा पार्टिकल इज फायर्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर विद विच अल्फा पार्टिकल इज फायर्ड एंड द एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस. तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम बी से डिनोट करते हैं, और जिसको हम इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं. और अगर आपने सेंट्रल एक्सिस पे ही अल्फा पार्टिकल को फायर किया है, तब इंपैक्ट पैरामीटर का वैल्यू जीरो आ जाएगा, आपका बी जो है वो जीरो होगा, और जितना ऊपर ऊपर जा रहे हो आप उतना बी बढ़ता जाएगा. तो जब इंपैक्ट पैरामीटर जीरो हुआ, न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ ये बढ़ रहा है, अब आपने वेलोसिटी से फायर किया, काइनेटिक एनर्जी से फायर किया, बट अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, आपका न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल नजदीक आ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. एक टाइम पे रिपल्सिव फोर्स जो है उसको मजबूर कर देगा रुकने के लिए, और जिस डिस्टेंस पे ये रुका उस डिस्टेंस को हम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, न्यूक्लियस के सेंटर के कंपैरिजन में, जहां पे अल्फा पार्टिकल अपनी वेलोसिटी जो है उसकी जीरो हो गई, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट कहां तक, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गया और स्टॉप हो जो है फिर वापस आ गया, रिबाउंड हो गया, उस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं. बट ये तब हम डिस्कस करते हैं जब इंपैक्ट पैरामीटर जीरो होता है, मतलब सेंट्रल एक्सिस पे ही अल्फा पार्टिकल जा रहा है. तो उस सूरत में क्या होगा, हम बिलीव करते हैं आपने अल्फा पार्टिकल को एक लार्ज डिस्टेंस से फायर किया, जब उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, बट जब वो यहां पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, फिर यहां पे अब दो चार्जेस रेस्ट पे आ गए, इसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. न्यूक्लियस तो पहले ही रेस्ट पे था, अब अल्फा पार्टिकल भी रेस्ट पे आ चुका है, तो यहां पे सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि स्टॉप हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे. तो यहां पे अब दो चार्जेस है, इसका चार्ज मान लीजिए अल्फा पार्टिकल का Q1 है, न्यूक्लियस का चार्ज मान लीजिए Q2 है, तो इनमें अब पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, इट इज 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, दैट इज व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. वही मैंने लिखा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के वक्त आपका काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल था वो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का था 1/2 mv², जिस वेलोसिटी से फायर किया उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 R. Q1 हो गया अल्फा पार्टिकल का चार्ज और Q2 हो गया न्यूक्लियस का चार्ज, जिसमें आप Q1 लिख सकते हैं बच्चे अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, तो आप जानते हैं कि Q1 जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो होता है बराबर 2 times चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 times चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जबकि Q2 न्यूक्लियस का चार्ज है और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है, दैट इज Z times द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन. तो ये हो गया आपका Q1 Q2. तो दिस इज अबाउट अल्फा पार्टिकल, ये आपका अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया, और ये जो है ये आपके न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, ये सब आप जानते हैं. इसीलिए मैंने यहां लिखा 1/4πε0 1/2 mv²
दैट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर। क्यू1 हो गया आपके अल्फा पार्टिकल का चार्ज और क्यू2 हो गया आपके न्यूक्लियस का चार्ज, ये आप जानते हैं। तो उसके बाद मैंने लिखा इंपैक्ट पैरामीटर, जो अब मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर विद व्हिच द अल्फा पार्टिकल इज फायर्ड एंड द एक्सिस व्हिच पासस थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं, जबानी याद रखेंगे आप इंपैक्ट पैरामीटर की इक्वेशन। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 डिवाइड बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो इंपैक्ट पैरामीटर भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, 1/2 एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी विद व्हिच अल्फा पार्टिकल इज फायर्ड। जेड हो गया न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहां q1 q2 के हिसाब से आएगा, एंड कॉट थीटा बाय 2 थीटा हो गया ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस में डायरेक्टली आस्कड़ है कि अगर इंपैक्ट पैरामीटर जीरो है, जैसे ये है इंपैक्ट पैरामीटर जीरो, मतलब आप सेंट्रल एक्सिस पे चले गए और पार्टिकल वापस आया, अगर इंपैक्ट पैरामीटर जीरो है तो वो हमसे पूछता है कि एंगल ऑफ स्कैटर कितना होगा। तो मुझे लगता है बच्चे, अगर इंपैक्ट पैरामीटर जीरो है, सेंट्रल एक्सिस पे पार्टिकल गया और वापस आया, तो उस केस में थीटा आपका जो है, थीटा आपका जो है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि चार्जेड पार्टिकल रिबाउंड होकर जो है वापस आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा है फॉर हेड ऑन कोलिजन इंपैक्ट पैरामीटर जीरो, हेड ऑन कोलिजन के लिए इंपैक्ट पैरामीटर जीरो है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस खत्म है। तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव याद रखना, उस वक्त एंगल ऑफ स्कैटर जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जिस एक्सिस पे पार्टिकल गया उसी एक्सिस पे वापस आया। तो फॉर हेड ऑन कोलिजन इंपैक्ट पैरामीटर जीरो, इवन इस फॉर्मूला में भी जब आप b = 0 ड्रॉप करेंगे तो आपका थीटा जो है 180 आएगा। आप करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बोला अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि इंपैक्ट पैरामीटर अगर जीरो है तो एंगल ऑफ स्कैटर कितना होगा। दिमाग कहता है अगर इंपैक्ट पैरामीटर जीरो, आप सेंट्रल एक्सिस पे अल्फा पार्टिकल को फायर कर रहे हो और उसी एक्सिस पे पार्टिकल वापस आएगा, तो आपका थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर सेकंड पर यूनिट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी और एक पॉइंट है जहां से आपके रदरफोर्ड मॉडल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम और पर सेकंड। तो रदरफोर्ड के हिसाब से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम जो होता है पर सेकंड होता है, दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज पावर 4 थीटा बाय 2। तो थीटा हो गया एंगल ऑफ स्कैटर जो मैंने डायग्राम में दिखाया, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज पावर 4 थीटा बाय 2। डायरेक्टली फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो कितने पार्टिकल पर सेकंड या पर यूनिट टाइम जो है स्कैटर हुए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज पावर 4 थीटा बाय 2, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटर। तो ये है आपके रदरफोर्ड मॉडल में जो चीजें पूछी जा सकती है। बड़ी चीज यही है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और जिस डिस्टेंस पे ये रुका, जिस डिस्टेंस पे से काइनेटिक एनर्जी खत्म होकर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, उस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, बी से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1/2 एमवी स्क्वायर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इंपैक्ट पैरामीटर जीरो हो तब आपका जो है एंगल ऑफ स्कैटर जो है वो 180 डिग्री आएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने स्कैटर्ड हुए पर यूनिट टाइम और पर सेकंड, दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन रेज पावर 4 थीटा बाय 2। इसी में से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो उसके बाद जो है, अब इसमें जो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, अब दूसरा जो है दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड में ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो दैट शुड रिलीज एनर्जी एज पर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, बट वो नहीं होता है। तो उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए, उस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हमारे पास जो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया, जिसमें बोहर ने कहा कि जहां तक रदरफोर्ड का सवाल है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, होल मास एंड positive charges concentrated in a center called as in a very small sphere in an atom called as nucleus, and then humne pucha what about electron, jo rutherford ka drawback tha ki circular orbit mein, but jab circular orbit mein electron ghumta hai to accelerate hona chahiye aur release karna chahiye energy in the form of electromagnetic waves as per maxwell's electromagnetic wave theory, but aisa hota nahi hai। to humne bohr se pucha ab aap kaise defend karoge, to bohr ne bola ki electron revolves in certain circular orbits what he called as stationary states or energy levels। usne kaha ki har ek circular orbit mein nahi घूमता है, किसी किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसका जो है वो एनर्जी लॉस नहीं करता, एक जो है एनर्जी फिक्स रहती है उस ऑर्बिट में, दैट्स व्हाई इसको स्टेशनरी ऑर्बिट या एनर्जी जो है लेवल कहते हैं। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। फिर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में आप याद रखेंगे कि अब कहानी तो वही थी कि सर बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है सर बीच में न्यूक्लियस होता है जहां सारा पॉजिटिव चार्ज और आपका मास है, और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, बट सम सर्कुलर ऑर्बिट्स
व्हाट वी कॉल अ स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स. तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बट बीच में कोई सर्कुलर ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये कुछ कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स जिनके कुछ कंडीशंस है उस बेसिस पे यहाँ दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस डेवलप होती है कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में चार्ज घूम रहा है तो उसको तो सर्कुलर ऑर्बिट में सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है. तो रदरफोर्ड और बोहर दोनों ने बोला कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में चार्ज घूम रहा है और उसको सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस दैट इज विच इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन, इनमें जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही प्रोवाइड करता है आपका सेंट्रिपिटल फोर्स, तो वही लिखा गया है. तो पहला इक्वेशन वही है बच्चे, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स. और आप सब जानते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r, m हो गया इसका मास, v हो गया इसका स्पीड का स्क्वायर, डिवाइड बाय r हो गया रेडियस, इज इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और फोर्स कूलम्स फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर. वही है k मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2. अगर आप q1 q2 की बात करें, न्यूक्लियस का चार्ज तो z ही है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज e है, इसीलिए आपका इक्वेशन में जो है z e स्क्वायर आ गया, क्योंकि q1 जो है आपका q1 जो है वो z ही है एंड q2 e है. तो दैट इज वाई z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल mv स्क्वायर. तो पहला इक्वेशन बिल्कुल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड जो है सेंटर सेंट्रिपिटल फोर्स, जैसे आप ग्रेविटेशन में बोलते हो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर अ प्लैनेट और अ सैटेलाइट टू जो है रिवॉल्व अराउंड द सन. इन द सेम फैशन फिर हमने पूछा बोहर से कि सर अब कौन कौन सा सर्कुलर ऑर्बिट, क्योंकि आप कहते हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है तो फिर ये करता है तो ये सर्कुलर ऑर्बिट क्या एग्जिस्ट करता है. तो बोहर ने बिल्कुल बोला नहीं, ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बीच में कोई नहीं करेगा, यही कुछ जो है एग्जिस्ट करेंगे. तो हमने पूछा इसके लिए कोई तरीका जिससे हम पता कर सके कौन कौन सा सर्कुलर ऑर्बिट, तो उन्होंने दिया बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन. और बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ये है दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दो सर्कुलर ऑर्बिट्स इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h/2π. मतलब इस सर्कुलर ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, m हो गया मास, v हो गया इसका स्पीड और r, तो इनका प्रोडक्ट होता है एंगुलर मोमेंटम. उसने कहा ये एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ h/2π, जिसको आप केमिस्ट्री में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं. तो ये होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. मतलब यहां पहला ऑर्बिट अगर एग्जिस्ट करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 1.5 डेड ऑर्बिट, 3.5 पौने 4 ऑर्बिट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एन का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे कोई वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करते हैं. और केमिस्ट्री में आप इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, बट यहां फिजिक्स में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ h/2π. इसको बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं. फिर जब ये दो इक्वेशंस आपके पास आ जाती है, फिर सर अब जो ये रेडियस है इस ऑर्बिट का, ये कितना है. अब यहां तो एक एटम में कितने शेल्स एग्जिस्ट करते हैं, कितने ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो याद रखना इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. अब सर पहले शेल का रेडियस क्या होगा, दूसरे शेल का रेडियस क्या है, इसलिए हमने nth शेल का रेडियस निकाला होता है बाय इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस. इन दो इक्वेशंस को हम इक्वेट करके हम जो है nth शेल का रेडियस निकालते हैं. तो ये rn हो गया, इट इज 0.53 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम में आता है. ये इक्वेशन आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, 0.53 n स्क्वायर बाय z. n हो गया कौन सा ऑर्बिट, मतलब n का अगर आप 1 यहां ड्रॉप करेंगे तो पहले ऑर्बिट का, और अगर फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, क्योंकि बोहर्स मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स है उन्हीं के लिए एग्जिस्ट करता है. तो यहां पे अगर हाइड्रोजन है तो यहां पे एटॉमिक नंबर 1, अगर हीलियम है तो एटॉमिक नंबर 2 एंड सो ऑन जो है इसमें ड्रॉप करेंगे. इसी तरह फिर सर आप हर शेल का रेडियस आ चुका है, तो हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, तो उसके लिए भी vn, nth शेल की जो स्पीड होती है वो फॉर्मूला है 2.16 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंड, या z by n इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, z अगेन द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, एंड n किस शेल की आप बात कर रहे हैं. इस n इस स्पीड को कभी-कभी बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, इट इज c डिवाइडेड बाय 137, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट इज z by n, और ये मीटर पर सेकंड में ही हम कैलकुलेट करते हैं. तो अगर सर ये इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट को जब आप 137 से डिवाइड करते हो तो वो रिड्यूस होता है 2.16 इंटू 10 पर 6 मीटर पर सेकंड एंड जड बाय एन. तो nth shell में स्पीड, और कोई भी आपके पास एटम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन हो या हीलियम पॉजिटिव हो या लिथियम 2 पॉजिटिव हो, ठीक है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव हो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तो उनके लिए हम रेडियस की इक्वेशन, आपके वेलोसिटी का जनरलाइज्ड इक्वेशन, और ये
फॉर्मेट भी ज्यादा पूछा जाता है, उसके बाद इसका सर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है डिपेंडेंसी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली आस्कड। तो जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, एन हो गया शेल नंबर, जेड हो गया एटॉमिक नंबर। इसी तरह अब अगर टाइम पीरियड का ये डिपेंडेंसी है एन और जेड के साथ, तो फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। इसीलिए जो बच्चों आप देखोगे जेड ऊपर चला गया जेड स्क्वायर और एन क्यूब नीचे आ गया, तो ये और एक डिपेंडेंसी होगी। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, क्योंकि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी ऐसा डिस्कस किया। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे वो डेवलप करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब एन रेज़ पावर 5 डायरेक्ट आस्कड ऑब्जेक्टिव्स। ये प्रोपोर्शनलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जेड एटॉमिक नंबर, एन हो गया शेल नंबर, तो याद रखेंगे। और उसके बाद मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा दिया था, ये रेशियो एम बाय एल इज इक्वल टू क्यू बाय 2 एम, वेयर एम इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एल इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है क्यू बाय 2 एम, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम। ये आप पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, जिसको मैंने बोला था गायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है क्यू बाई 2 एम, जब भी कोई भी चार्ज रिवॉल्व करता है मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम। बट हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, जिसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, ये एन एच बाई 2 पाई है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो है वो आएगा क्यू बाई 2 एम। अब एज पर बोहर्स मॉडल जो है आपका जो एल है वो एन एच बाई 2 पाई है। अगर इसको आप अरेंज करोगे तो एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा, इट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई, इट इज ई एच डिवाइडेड बाई, इट इज 4 पाई एम मल्टीप्लाइड बाई एन, एन हो गया कौन सा शेल नंबर है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का इक्वेशन आपके पास आ चुका है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ई एच डिवाइड बाई 4 पाई एम मल्टीप्लाइड बाई एन, एल हो एन हो गया शेल नंबर। अगर आप लोवेस्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सबसे छोटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हो तो एन का वैल्यू 1 ड्रॉप करिए। जैसे आप एन का वैल्यू 1 ड्रॉप करेंगे, अगर हम इफ एन इज इक्वल टू 1, अगर हम एन 1 ड्रॉप करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा बराबर ई एच डिवाइडेड बाई इट इज 4 पाई एम। और इसी चीज को हम बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, वी कॉल दिस एज बोहर मैग्नेट्रॉन। तो अगर आपसे कल वो पूछे कि बोहर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे ई एच बाई 4 पाई एम। और ये जो है ये पहले शेल का जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हाइड्रोजन के लिए भी वही है, हीलियम पॉजिटिव के लिए भी वही है, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी वही है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए भी वही है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज कॉल्ड एज बोहर मैग्नेट्रॉन, एंड इट इज न्यूमेरिकली ई एच बाई 4 पाई एम। तो ये सारी चीजें और ये सारी इक्वेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे रेडियस की भी प्रोपोर्शनलिटी याद रखेंगे, अब यहां पूरा इक्वेशन ही है, इट इज एन स्क्वायर बाय जेड, स्पीड की इक्वेशन जो है प्रोपोर्शनलिटी है जेड बाय एन। ये सारी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रदरफोर्ड मॉडल भी ऑलमोस्ट सारा इंपॉर्टेंट जो उसमें सेक्शन था मैंने पढ़ा दिया, और आपका जो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है उसके बाद इसमें आता है एनर्जी। एनर्जी क्या है सर? अब हर साल में जो है इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है पहले शेल में, इट इज एन इज इक्वल टू 1, फिर दूसरा है, तीसरा है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने बोला इन्फिनाइट शेल्स एग्जिस्ट करते हैं और यही वैल्यूज 1, 2, 3, 4, तो इसको क्वांटाइजेशन कंडीशन हम कहते हैं। तो पहले शेल में जो अब इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट, ये घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अगर ये आपका पहला शेल है बच्चे, ये पहले शेल में घूम रहा है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि दो चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट है। और ये रिवॉल्व कर रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी भी है, तो मतलब अब पोटेंशियल एनर्जी भी है, इसका काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज ऑफ मोशन, तो इन दोनों का सम जो है वो टोटल एनर्जी कहलाता है। और वही हमने यहां पे लिखा है कि इसका जो टोटल एनर्जी का इक्वेशन है, ये आपको जबानी याद रहना चाहिए, टोटल एनर्जी होता है -13.6 इट इज जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये माइनस दिखाता है दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और प्रोपोर्शनलिटी भी याद रखेंगे, तो ये जब टोटल एनर्जी आया तो फिर याद रखेंगे आप, जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है वो मॉड ऑफ ई होता है। मतलब अगर आपको पहले शेल में अगर आपको टोटल एनर्जी पता है, तो उसका मॉड जो है, क्योंकि नेगेटिव होता है टोटल एनर्जी, उसका मॉड आपको देता है काइनेटिक एनर्जी, या मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 भी आपको देता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक रिलेशन है जो हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ाते हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी इज मॉड ऑफ ई और इट इज मॉड ऑफ यू डिवाइड बाय 2। मतलब क्या है, देख लीजिए, पहले शेल में एनर्जी जो है -13.6 है। अगर आपसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मैं सीधे लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी होगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है इसका इंपॉर्टेंस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज मॉड ऑफ ई। और अगर मुझे कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मॉड ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी जो है, दैट इज टोटल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, टोटल एनर्जी है -13.6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हुआ 2612।
one carry हुआ, two threes are six, that is 1 7 and two ones are 2 minus electron volt. तो ये हो गया potential energy. तो एक energy, total energy देखें, आपने kinetic energy निकाला, वो इसका mod होता है plus value, potential energy भी negative होता है और वो twice होता है, क्योंकि potential energy multiplied by total energy will give you the that potential energy. That's what importance of this. तो दूसरे शब्द में अगर total energy minus 3.4 है, तो kinetic energy plus 3.4 होगा और इसको 2 multiply करने पे आपको potential energy मिलेगा. तो ये equation भी बड़ी important है, gravitation में भी हम पढ़ाते हैं. उसके बाद नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स फोटॉन्स इन इमिशन स्पेक्ट्रम. अब मसला ये है कि अगर आपने जो है अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं बच्चों, वी कॉल दिस एज ग्राउंड स्टेट. इसका ख्याल रखेंगे आप, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, इस चीज का ख्याल, क्योंकि न्यूमेरिकल लैंग्वेज में पूछा जाएगा. इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो इसको लिखेंगे फर्स्ट इट इज एक्साइटेड स्टेट. इसी तरह इसको हम कहेंगे अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ ग्राउंड स्टेट से यहाँ भेज दें, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट. तो मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब होता है n इज इक्वल 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब होता है n इज इक्वल 4. अब आपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज दिया बाई गिविंग सम एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन फिर उस शेल से ऊपर से नीचे आया तो वो कुछ फोटॉन्स को इमिट करता है, और इस इन फोटॉन्स को इमिट करने को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो वही मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स इन इमिशन स्पेक्ट्रम इज, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इट्स n इनटू n माइनस 1/2. कितने फोटॉन्स इमिशन स्पेक्ट्रम में बाहर आएंगे, कितने फोटॉन्स बाहर आएंगे, वो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन को, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए यहां से उठा के फोर्थ शेल में भेज दिया, जब आपने फोर्थ शेल में भेज दिया तो यहां पे जो आपने ऊपर भेज दिया, इसको हम जो इन आपके फोटॉन लगे इसको ऊपर भेजने में, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम कहते हैं. इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन जो है वो n माइनस 1 होते हैं. क्योंकि n माइनस क्यों होते हैं, क्योंकि आपको इसका एक फोटॉन, इसका सेकंड एंड थर्ड मतलब फोर्थ शेल में एक्साइट करने के लिए एक दो तीन लेवल्स, मतलब n अगर 4 है तो एब्जॉर्प्शन जो फोटॉन्स आपको चाहिए वो n माइनस 1 होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक होते इमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब ऊपर से जब फोटॉन गिरेगा वो कितने फोटॉन्स रिलीज करेगा सबको पता होता है, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, इसके लिए मैंने न्यूमेरिकल भी आगे रखा आपको समझ आएगा. आपने फर्स्ट से फोर्थ तक उसको जो है जंप कराया, फोर्थ शेल तक जो है एक्साइट कराया, तो फोटॉन्स कितने लगेंगे, इट इज 1 2 एंड 3. तो n 4 है बट नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड इज n माइनस 1. वही मैंने लिखा इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स रिक्वायर्ड इज n माइनस 1. इस पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे मैं आपको वापस लाऊंगा और क्लियर हो जाएगा. सो ये हो गया अनदर इंपॉर्टेंट स्लाइड. उसके बाद ये है स्पेक्ट्रल लाइंस का. आपने बोहर मॉडल ऑफ एटम में पढ़ा होगा स्पेक्ट्रल लाइंस का कंसेप्ट, वही जब फोटॉन्स ऊपर से नीचे गिरते हैं तो फोटॉन्स इमिशन स्पेक्ट्रम में बाहर आते हैं. तो किसी भी ऊपर वाले शेल से जब फोटॉन्स नीचे फर्स्ट सीरीज फर्स्ट लाइन फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में गिरता है, तो जब भी ऊपर से इनफिनाइट किसी भी ऊपर वाले शेल से, मतलब इन्फिनिटी से, एट्थ से, सेवन्थ से, मगर फर्स्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन लैंड करता है, जो फोटॉन्स की सीरीज बाहर आती है उसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं. उसके बाद किसी भी ऊपर वाले शेल में सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन गिरता है तो जो फोटॉन्स बाहर आते हैं उसको हम बाल्मर सीरीज कहते हैं. किसी भी ऊपर वाले शेल में थर्ड शेल में जब इलेक्ट्रॉन गिरता है तो पाश्चन सीरीज, तो लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पीफन एंड हम्प्री जो है ये सीरीज जो है ये आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें आपको ये पता होना चाहिए कि लाइमन का जो है एन वन जो है हमेशा वन है और एन टू कोई भी अपर शेल हो सकता है. बाल्मर में एन वन हमेशा जो है वो टू है और फिर कोई भी अपर शेल. पाश्चन में एन वन हमेशा थ्री है और फिर कोई भी अपर शेल. ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें है. तो वही मैंने लिखा है कि वेवलेंथ ऑर्डर के हिसाब से अगर इसको अरेंज करें हम लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट एंड हम्प्री, तो अब इसका एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहां पे जो है आपको पता होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन जो है लाइमन सीरीज की बात हम करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड से फर्स्ट शेल में आता है तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आता है तो मैं यहां लिखता हूं इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहते हैं, फर्स्ट लाइन. क्योंकि न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में जब आप देखोगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की कंडीशन क्या है. फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की कंडीशन यह है कि एन वन वन है और एन टू टू है, इसको हम फर्स्ट लाइन कहते हैं. इसी तरह थ्री से फर्स्ट में आ गया तो इसको सेकंड लाइन कहते हैं, फोर से फर्स्ट में आ गया थर्ड लाइन कहते हैं, और इन्फिनिटी से लास्ट शेल से जब फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन गिरा इसको लास्ट लाइन कहते हैं. तो मैं यहां पे लिखूं इसको हम लास्ट लाइन कहते हैं, लास्ट लाइन, या इसको हम सीरीज लिमिट भी कहते हैं. ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको पता होना चाहिए, इसको सीरीज लिमिट भी कहते हैं, लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट. तो फर्स्ट लाइन होता है सेकंड से जो है जो इमीडिएट शेल से जब इलेक्ट्रॉन गिरता है इसको फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहते हैं, और जब इन्फिनाइट शेल से आपका इलेक्ट्रॉन गिर के फर्स्ट शेल में गिरे लाइमन सीरीज के लिए इसको लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या सीरीज लिमिट के नाम से हम जानते हैं. ये चीज आप ख्याल रखेंगे. अब
मुझे बोलिए, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में गिरा जो यहां एनर्जी निकलेगी, और जब लास्ट लाइन की बात करें तो ये सारी एनर्जी इंक्लूड हो जाएगी, तो लास्ट लाइन की एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट लाइन। तो ये हर केस में होता है कि लास्ट लाइन जो सीरीज लिमिट है, लास्ट लाइन हर सीरीज में जो है उसका एनर्जी जो है वो हमेशा जो है बच्चों ज्यादा होता है फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट लाइन की एनर्जी से लास्ट लाइन का ज्यादा होता है, क्योंकि लास्ट लाइन में सारी एनर्जी जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। अब अगर बाल्मर में बात करें तो बाल्मर की ये फर्स्ट लाइन है, जब थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, थर्ड से सेकंड में आ जाए तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बनेगी। इसी तरह फोर्थ से सेकंड में आ जाए तो सेकंड लाइन बनेगी। इसी तरह फिफ्थ से सेकंड में आ जाए तो थर्ड लाइन बन जाए, और लास्ट इन्फिनिटी से आ जाए तो उसको लास्ट लाइन। बट बाल्मर में याद रखना, जो फर्स्ट लाइन होती है जब थर्ड से सेकंड में जंप होता है, इसका कलर जो है, इस लाइन का जो कलर होता है रेड होता है, क्योंकि बाल्मर सीरीज जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करता है, इट लाइज इन विजिबल स्पेक्ट्रम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके फोटॉन जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं, और जो आपका लाइमन सीरीज है ये अल्ट्रा वायलेट में लाई करता है, यूवी रीजन में लाई करता है, यूवी रीजन। बाल्मर जो है आपका विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करने वाला सीरीज है। इसीलिए बच्चों अगर आप देखोगे पहला लाइन जो है, अगर कल वो एंट्रेंस में पूछे फर्स्ट लाइन का कलर क्या होता है, वो रेड होता है, सेकंड लाइन का जो है वो आपका ब्लू होता है, थर्ड लाइन का नियन कलर होता है, एंड सो ऑन, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह फिर आपका जो है लाइमन के बाद बाल्मर, फिर पाश्चन, ब्रैकेट एंड सो ऑन। तो अगर आप देखोगे लाइमन का जो फर्स्ट लाइन है इसका एनर्जी कम है, और लास्ट लाइन का एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो इसी ऑर्डर के हिसाब से कि लाइमन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है, तो यूवी रीजन में लाई करता है, बाल्मर विजिबल में लाई करता है, इसका ख्याल रखिए। तो मतलब वेवलेंथ इस ऑर्डर में बढ़ रहा है। इसी तरह ये पाश्चन इंफ्रा रेड में लाई करता है, ब्रैकेट भी फार इंफ्रा रेड में लाई करता है, तो ये वेवलेंथ के ऑर्डर से लिखा गया है। तो वेवलेंथ ऑर्डर का मतलब ब्रैकेट का वेवलेंथ पाश्चन से ज्यादा, पाश्चन का बाल्मर से ज्यादा, बाल्मर का लाइमन से ज्यादा। उनके रीजन याद रखिए, लाइमन यूवी में लाई करता है, बाल्मर विजिबल में लाई करता है, इसीलिए इसके कलर आ गए यहाँ पे। बाकी किसी सीरीज में कलर नहीं देखोगे, पाश्चन इंफ्रा रेड में और ब्रैकेट जो है इंफ्रा रेड, और फिर उसके बाद हम्फ्री एंड सो ऑन। तो फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन का कंसेप्ट आ गया, और फर्स्ट लाइन का एनर्जी हमेशा कम होता है, लास्ट लाइन का किसी भी सीरीज में एनर्जी हमेशा ज्यादा होता है। उसके बाद जो अब ये जंप से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरा, तो यहाँ जो फोटॉन बाहर आया, जो यहाँ फोटॉन बाहर आया उसका वेवलेंथ हम इस फॉर्मुला से कैलकुलेट करते हैं। ये केमिस्ट्री से लेके फिजिक्स में कॉमन होता है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल आर जेड स्क्वायर इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। n1 स्क्वायर हो गया लवर कौन सा शेल है, किस सीरीज की बात है, और n2 हो गया अपर कौन सा शेल है। r हो गया रेडबर्गस कांस्टेंट, z हो गया एटॉमिक नंबर, क्योंकि हम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए पढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ हाइड्रोजन के लिए पढ़ते तो z हमेशा 1 आता, तो कुछ बुक्स में देखोगे जब वो हाइड्रोजन के लिए बात करें तो यहां लिखा होगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल आर इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। उसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड अब जो है आजकल जो मॉडर्न फिजिक्स में है, दैट्स रिकॉइल ऑफ एन एटम जो है पूछा जाता है। अब रिकॉइल ऑफ एटम की स्टोरी क्या है, देख लीजिए बच्चे, मान लीजिए आपके पास एक एटम है, और उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जो है आ गया, और उसने फोटॉन छोड़ दिया, अब फोटॉन चला गया, उसका कुछ मोमेंटम है, इनिशियली जो है आपका एटम जो रेस्ट पे था, अब उसमें जब डी एक्साइटेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा तो फोटॉन निकल गया। जब इस एटम से जब फोटॉन निकल गया, ये ऐसी बात हो गई जैसे गन से गोली आगे निकली, तो जब गन से आगे गोली निकलती है तो गन पीछे रिकॉइल करता है, तो इसको हम कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ एन एटम। तो यहां पे अब गन जो है आपका एटम है, और जो गोली है वो फोटॉन है। जब फोटॉन आगे निकल जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरा, फोटॉन आगे निकला, उसका मोमेंटम होता है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो है, फाइनल भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्वड नहीं है, जिसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो इससे आपका रिकॉइलिंग ऑफ एटम आ जाता है, मतलब फोटॉन का मोमेंटम आगे और एटम पीछे रिकॉइल करता है। यह ऐसी बात होगी, गन से बुलेट जब आगे निकलती है तो गन पीछे रिकॉइल करता है, क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को होल्ड करने के लिए। इनिशियल मोमेंटम भी गन एंड बुलेट सिस्टम का जीरो है, फाइनल भी जीरो होना चाहिए, बट बुलेट आगे जाती है कुछ मोमेंटम की वजह से, और फिर इसीलिए गन रिकॉइल करता है, उसी मोमेंटम जो आगे वाला मोमेंटम उस बुलेट का होता है उतना ही मोमेंटम गन पीछे। अब बुलेट का मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा, बट गन का मास ज्यादा है और वेलोसिटी कम, तो यह होता है रिकॉइलिंग ऑफ एटम। तो बिल्कुल उसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो रिकॉइलिंग ऑफ एटम में मोमेंटम ऑफ एटम इज इक्वल मोमेंटम ऑफ फोटॉन, जिस मोमेंटम से फोटॉन आगे निकला उसी मोमेंटम से आपका एटम पीछे आया। अब मोमेंटम ऑफ एटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय किस वेलोसिटी पीछे आया, और मोमेंटम ऑफ फोटॉन आप जानते हैं या तो h बाय लैम्डा होता है या e बाय c एज पर सिचुएशन। क्वेश्चन अगर वो e बाय c के हिसाब से पूछ रहा है तो वही लिखे, या h बाय लैम्डा, e हो गया एनर्जी, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, h बाय लैम्डा आप जानते हैं मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो है वो h बाय लैम्डा से भी हम जो है कैलकुलेट करते हैं। अब 1 बाय लैम्डा कैलकुलेटेड है, इसको सिर्फ h मल्टीप्लाई करिए तो ये मोमेंटम की इक्वेशन बनेगी। मतलब अगर आप यहां h और h मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे तो h बाय लैम्डा आपका मोमेंटम, तो ये वो
मोमेंटम है जिसे फोटॉन आगे गया, जिस मोमेंटम से फोटॉन आगे गया उस मोमेंटम से एटम को रिकॉइल करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप रिकॉइलिंग ऑफ एटम कहते हैं। तो ये था आपका स्पेक्ट्रल लाइंस का आइडिया। अब जो है बच्चे इस पे आप क्वेश्चंस है, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सेक्शन। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैंने कोई भी चीज जो है इसमें नहीं छोड़ी, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम से लेके फिर आप बोहर मॉडल जो है उसने ड्रॉबैक रिमूव करके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी वो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे बेस्ट लगता है इसमें, दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ एन एटम का कंसेप्ट, जो गन एंड बुलेट से आप एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो। पहले गन एंड बुलेट जो इनिशियल मोमेंटम जीरो, अब जो बुलेट आगे निकला गन पीछे रिकॉइल करता है इन ऑर्डर टू कीप द फाइनल मोमेंटम जीरो। इन द सेम फैशन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है तो आपका जो फोटॉन बाहर आता है एटम से, जब फोटॉन बाहर आता है कुछ मोमेंटम से तो आपका एटम जो है वो रिकॉइल पीछे करता है इन ऑर्डर टू कीप दैट मोमेंटम जो है कांस्टेंट। आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अगर आप लॉजिकली याद करना चाहते हैं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया, आपने किस काइनेटिक एनर्जी से फायर किया, दैट्स हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हो गया बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। और फिर आपने अल्फा पार्टिकल्स को फायर किया तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्यों 2e हो गया, न्यूक्लियस जो डिफरेंट न्यूक्लियस है वो ZE हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, where R is the distance of closest approach। जहां रुका, यहां स्क्वायर करने की गलती नहीं करना, तो वो फोर्स बनेगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप देखोगे R जो है वो बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपके लिए फिर से दिखा रहा हूं, इट इज ट्वाइस ऑफ ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 mv स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। अब मुझे बोलो आपने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार रीड करिए, तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमने अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट मेटल्स, तो हर बार Z डिफरेंट हो जाएगा विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिनिमम किसके लिए होगा, देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर है, 2 कांस्टेंट है ये, 2b कांस्टेंट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच Z पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप मुझे बोलो अगर आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिनिमम रखना है तो Z भी मिनिमम होना चाहिए। तो यहां पे देख लीजिए एटॉमिक नंबर सबसे कम किस में है, तो पहले ऑप्शन में है, एटॉमिक नंबर कम है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी कम है। और अगर एटॉमिक नंबर जो है ज्यादा, अगर वो बोलता है मैक्सिमम किसके लिए होगा, तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा इसका है, तो इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सबसे ज्यादा गोल्ड में होगा, कॉपर में सबसे कम क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम। तो एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, या व्हेन a पार्टिकल अल्फा नहीं है, व्हेन a पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो एक पार्टिकल जिसका मास m है मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v जो है ऑन a गेट्स बम्बार्डेड ऑन a हेवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Z, एक न्यूक्लियस पे आपने फायर किया, इट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन ms, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे डिपेंड करता है, तो इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अभी किया। तो ये देख लीजिए आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच m के साथ क्या रिलेशन रखता है, इनवर्स वाली, क्योंकि आप अगर इक्वेशन को फिर से यहां लिखें, आपके लिए मैं लिखता हूं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का इक्वेशन हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज ट्वाइस ऑफ ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 mv स्क्वायर। अब मुझे बोलो आप, अगर आपने व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास m आपने फायर किया विद वेलोसिटी v, v से फायर किया और हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE, बिल्कुल स्टोरी है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन m, तो r और m का रिलेशन तो बिल्कुल गरीब सवाल है, बट एंट्रेंस में पूछा गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो अगर आपको चीजें पता है तो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद जो है द रेशो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, देख लीजिए लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर एंड द लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट भी बोल सकता था, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो पहले बाल्मर की हम बात करते हैं, तो बाल्मर जो है, बाल्मर का जो फर्स्ट लाइन है N1 तो हमेशा 2 होता है और N2 जो है वो कहना चाहता है लास्ट, तो इन्फिनिटी। इसी तरह लाइमन की बात करते हैं, लाइमन के लास्ट लाइन का बात करता है, इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, तो N1 जो है वो 1 है क्योंकि लाइमन का फर्स्ट लाइन 1 ही है, वाइल एज N2 जो है वो भी इसमें इनफिनिटी है, क्योंकि लास्ट लाइन ऑफ हमें रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड दैट ऑफ लास्ट ऑफ लाइमन सीरीज। तो बाल्मर के लिए हम लिखेंगे इक्वेशन 1/λ जो है दैट बाल्मर के लिए इज इक्वल R Z स्क्वायर, Z तो जो है R Z स्क्वायर वो छोड़ दीजिए आप, या मैं लिखूं R Z स्क्वायर आपके लिए, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 है, इट इज 1/बाल्मर के लिए N1 स्क्वायर, फर्स्ट जो है वो हो गया 2 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, वो तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए 1/4, तो 1/λ बाल्मर जो बना ये बना R Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह लाइमन के लिए लिखते हैं, अब मैं सीधे लिखूं 1/लाइमन के लिए मैं लिखूं, इट इज R Z स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा बच्चे, 1/N1 स्क्वायर, दैट्स 1/N1 स्क्वायर हो गया 1/1 स्क्वायर, दैट इज 1, क्योंकि 1/∞ उसमें 0। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बाल्मर टू लाइमन, तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूं तो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट,
डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, अगर हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो ये हो गया 1/λ डिवाइड बाय 1/बाल्मर, क्योंकि बाल्मर ऊपर आना चाहिए, बाल्मर तो लाइमन ही निकालना है आपको, तो 1/ दिस इज आर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, और ये हो गया आपका आर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, आर जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 4, आर जेड स्क्वायर निकल जाएगा, तो लेमडा बाल्मर डिवाइड बाय लेमडा लाइमन जो है इट इज 4:1 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो आपको लास्ट लाइन का कंसेप्ट होना चाहिए, जिसका मैंने दूसरा नाम जो है सीरीज लिमिट भी बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका A closest distance of approach of an alpha particle traveling with a velocity v towards aluminium 13. तो atomic number aluminium 13 की तरफ जो है is d. तो closest approach जब आपने एक alpha particle को fire किया with a velocity v, अगर आपने alpha particle एक aluminium nucleus की तरफ fire किया तो उसका distance of closest approach d है। आपको बोलना है the distance of closest approach of an alpha particle traveling with velocity 4v towards iron. Iron. तो आप distance of closest approach का equation पहले एक बार फिर से लिखिए, 1/4πε₀, it is twice of z e square divided by 1/2 mv square. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो तो सब के लिए आपने जो है अच्छा वेलोसिटी डिपेंडेंट है बिल्कुल। चलिए 1/4πε₀ कांस्टेंट है, 1/2 m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट कैसे है क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास है, 2 कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, तो आपका जो r है वो प्रोपोर्शनल टू z / v स्क्वायर हो गया इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप स्पीड वेरी कर रहे हैं और आप एटॉमिक नंबर वेरी कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी वेरी कर रहे हैं, आप स्पीड भी वेरी कर रहे हैं, एक का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया है, दूसरे का निकालना, तो ये होता है पहले इक्वेशन को रिड्यूस करना, इससे एरर आपका कम हो जाएगा। तो पहले मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ alpha particle traveling with a velocity v towards aluminium, तो अगर मैं aluminium के लिए लिखूं distance of closest approach d है, और aluminium के लिए क्या बनेगा, ये aluminium का जो atomic number है बच्चों वो 13 है, तो मैं लिखूंगा 13 divided by, और आपने v से fire किया है तो ये बनेगा 13/v² equation first, ये किसके लिए है सर, it is aluminium, फिर हमें बोलना है distance of closest approach, तो मुझे d dash निकालना है किसके लिए, जब आपने alpha particle with a velocity 4v से fire किया तो यहां आएगा 4v का whole square, तो velocity जो है आपने 4v कर दिया और आपका atomic नंबर 26 हो चुका है इक्वेशन सेकंड, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा d / d डैश ऑफ, ये बनेगा 13/v² ऊपर जाएगा ये 16v² डिवाइडेड बाय 26, 13 2 26, v² निकल गया तो 2 इट इज 8 16, तो हमें d डैश निकालना है, तो इट इज d / 8 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, d / 8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये है, अगर आपको इक्वेशन पता है, आपको जो है प्रोपोर्शनलिटी में जो कॉमन चीजें वो आप निकाल दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी में जब कॉमन चीजें निकाल तो आप फिर आपका इक्वेशन जो वो रिड्यूस होता है और कैलकुलेशन का एरर भी जो है वो कम हो जाता है। तो उसके बाद जो है इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा रे स्कैटरिंग द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड 90 डिग्री बी 28 पर मिनट, मतलब जब आपने 90 डिग्री पे देखा तो 28 पर मिनट पार्टिकल जो स्कैटर हो रहे थे, देन द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर मिनट बाय द सेम फॉइल बट एट 60 डिग्री, तो मैंने अभी आपको रदरफोर्ड में पढ़ाया दैट नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम, दैट्स नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेस्ट पावर 4 θ/2, हम पीछे पढ़ चुके हैं ऐसा रिलेशन है। तो पहले आप देख लीजिए 28 पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं, 28 पार्टिकल्स, अब आपको नंबर निकालना है क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, मैं यहीं पे वैल्यू ड्रॉप करूंगा, 28 पार्टिकल्स 90 डिग्री पर स्कैटर हुए तो 28 पार्टिकल्स का जो है वो नीचे आ जाएगा 90 डिग्री पे। अब मुझे बोलो जब आप 90 डिग्री यहां ड्रॉप करोगे तो 90 डिग्री जो है डिवाइड बाय 2 होता है 45, तो ये साइन ऑफ, तो मैं यहां लिखूं 28 के लिए इट इज साइन रेज पावर 4 बट ये 45 डिग्री के लिए हो जाएगा, और फिर n हमें निकालना है जब आप 60 डिग्री, बट 60 डिग्री का ऊपर आ जाएगा 60/30 60/2 इट इज 30, तो ये हो गया साइन रेज पावर 4 बट ये 30 डिग्री यहां पे आ जाएगा एंगल। अब हमें n निकालना है, तो 28 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल, साइन ऑफ 30 होता है 1/2 रेज पावर 4 है, साइन ऑफ 45 होता है 1/√2 रेज पावर आपका 4 हो गया, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/16 डिवाइडेड बाय, देखिए 1/√2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 1/√2 होता है 1/2 एंड 1/2 होता है 1/4, तो ये सिर्फ 1/4 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 4/1, 4 4 16 हो गया, अब 4 और मल्टीप्लाइड बाय 28 विल गिव द नंबर, इट इज 28 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड n इज इक्वल टू 112 जो है अल्फा पार्टिकल्स जो है पर मिनट स्कैटर होंगे, 112 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिर्फ संभाल के यहां पे आप इनवर्स रिलेशन के हिसाब से 28 का नंबर जो है मैं यहां पे एरो बना के रखता हूं, 28 यहां है, उसका एंगल यहां पे है, और जो नया है उसका ये है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, और एंगल को आप हमेशा डिवाइड करिए बाय 2, पहले 90 था इसलिए 2 डिवाइड करने पे 45 हो गया, और दूसरी बार एंगल 60 डिग्री था और उसको डिवाइड करने पे 30, ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में रहता है। उसके बाद जो है द नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स मे बी ऑब्जर्वड इन द स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ हाइड्रोजन सैंपल इफ द एटम्स आर एक्साइटेड टू द थर्ड एक्साइटेड
स्टेट, देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे एक्साइट आपने किया, तो मैं फिर से आपके लिए बनाता हूं, ये एन इक्वल वन है जिसको आप ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जो मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा दिया, ये ग्राउंड स्टेट है, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं तो इसके लिए एन टू है, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं इसके लिए एन थ्री है, इसको फोर्थ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड, तो मैं लिखूं इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है, ये बनाना चाहिए, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, उसके लिए एन फोर है। अब आप क्वेश्चन को रीड करिए, अब आप क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, हमने लिखा है द नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स मे बी ऑब्जर्वड इन द स्पेक्ट्रम, तो इमिशन स्पेक्ट्रम में कितनी वेवलेंथ्स आएंगी फ्रॉम ए हाइड्रोजन एटम इफ द एटम्स आर एक्साइटेड टू द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो बच्चा जब थर्ड पढ़ता है तो वो बोलता है एन थ्री है, बट बच्चे थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब वो कहना चाहता है एन आपके पास फोर है और फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन जो है वो फोर है, और फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड जो है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड जो है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिशन स्पेक्ट्रम में कितने दिखेंगे, तो मैंने आपको पढ़ा के रखा है इट्स एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, अब आप वैल्यू ड्रॉप करिए, एन का वैल्यू फोर, तो यहां पे आप थर्ड पढ़ के जो है आप जो है अगर आपने एन थ्री कर दिया तो गलत आ जाएगा, बट थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल फोर, तो ये हो गया फोर माइनस वन डिवाइड बाई टू, टू टू जा फोर एंड टू इंटू थ्री होता है सिक्स लाइन जो है वो इमिट होंगी, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस चीज का आप ख्याल रखिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज व्हेन अ हाइड्रोजन एटम एक्साइट्स इमिट्स अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एनर्जी दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपका हाइड्रोजन एटम इमिट करता है फोटॉन इस एनर्जी का, इट्स एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बाय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, तो इसमें मैं आप वापस डायग्राम में जाऊंगा जो अभी हम बना चुके हैं, अब दूसरी बार बनाने से जो बेटर है इसी को इसी में एक्सप्लेन करें। पहले शेल में एनर्जी होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले चार पांच शेल्स का एनर्जी जवान याद होना चाहिए बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे शेल का एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस 3.4 होता है, तीसरे का होता है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन, चौथे का होता है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे मैंने याद किया आप भी याद करके जाओ, क्योंकि वहां डिराइव करने से बेटर है अगर दो चार याद करते हो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। और अब आप इसको इसमें देख लो, अगर आप गैप देखोगे बच्चों, अगर आप गैप देखोगे तो यहाँ माइनस 13.6 है, यहाँ माइनस 3.4 है, तो जो गैप है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की है, और फिर अगर आप देखोगे यहाँ माइनस 13.6 है माइनस 1.5, तो अगर आप देखोगे ये 12 पॉइंट समथिंग आता है एनर्जी गैप जो इन दो शेल्स में है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आता है, तो गैप जो है इन दो शेल्स में ये देख लो आप, ये माइनस 3.4 या माइनस 13.6, 3.4 से निकाल के देख लो 10.2 बचा, 10.2 इन द सेम फैशन ये माइनस 13.6 से माइनस 1.5, इसमें 1 माइनस 1.5 ये तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब जो है गैप बच जाता है। सर आप हमें ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, व्हेन हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटॉन, एक फोटॉन इमिट करता है मतलब ऊपर से नीचे गिरा है तब जाके इमिट फोटॉन होता है, वरना एब्जॉर्ब होता है जब नीचे से ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इमिट्स अ फोटॉन ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी का फोटॉन जो है वो इमिट करता है। अब मुझे बोलो इस एनर्जी का फोटॉन जो इमिट करता है वो कहां से कर सकता है, मतलब वो गिरा है 12.1 एनर्जी का फोटॉन इमिट करता है मतलब N3 से वो गिरा है, कहां गिरा है N1 में, ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। तो जिस एनर्जी का वो फोटॉन इमिट करता है उस एनर्जी के लिए 12.1 एनर्जी है रिस्पांसिबल है कि इलेक्ट्रॉन नेसेसरली थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में गिरना चाहिए, तो आपको जो है अपर शेल जो देना चाहता है N2 वो 3 देना चाहता है और लोअर शेल जो N1 है वो 1 देना चाहता है, तो थर्ड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन गिरा है, अब ये जो है आपको क्लियर हुआ होगा। इट्स एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बाय, देख लो बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का चेंज होता है डेल n(h/2π), क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h/2π, अब चेंज बोल रहा है तो मैंने डेल एल लिखा, तो n में भी चेंज आना चाहिए क्योंकि h/2 कांस्टेंट है, अब वो कहां से गिरा है 3 से 1 में गिरा है, क्योंकि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं 3 से 1 में ही गिरा है, तो चेंज के लिए मैं लिखूंगा डेल एल इज इक्वल 3 - 1 एंड देन इट इज h/2π। अब आप देख लीजिए 3 - 1 2 होता है, तो डेल एल हो गया h/π, h/π h हो गया 6.6 × 10⁻³⁴ प्लैंक्स कांस्टेंट और पाई होता है ऑलमोस्ट 3.14, जब आप 3.14 से तो ये 3 × 2 = 6 2.11 ऐसा इंटू 2.11 × 10⁻³⁴ जो है आपका जूल सेकंड में एंगुलर मोमेंटम चेंज आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। मैं ये कंसिडर करता हूं कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, एक तो ये चाहिए कि 12.1 का गैप कहां है, उसके लिए कौन सा एन रेस्पॉन्सिबल है, एन1 और एन2 कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, तब जाके आप चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हो गया. उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द फिफ्थ इन इट्स फिफ्थ ऑर्बिट, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ सोडियम एटम एटॉमिक नंबर 11 इज वी इज, तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द फिफ्थ ऑर्बिट. सोडियम के फिफ्थ ऑर्बिट में हमें वेलोसिटी निकालनी है. अगर वेलोसिटी जो है सेकंड ऑर्बिट ऑफ सोडियम एटम में वी है, तो स्पीड जो है वेलोसिटी निकालनी है. तो आपको वेलोसिटी के लिए मेरे बच्चे, वेलोसिटी के लिए इक्वेशन मैंने आपको पढ़ा के रखा, इट इज 2.19 × 10⁶ × 10⁶. फिर मैंने लिखा था यहाँ पे जड़ बयान, तो डिस्प्रोपोर्शनलिटी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो दोनों सूरतों में सेम है, दोनों सूरतों में सेम है, क्योंकि सोडियम के फिफ्थ और सोडियम के सेकंड में दे चुका है, फिफ्थ में निकालना है. तो 2.19 × 10⁶ जड़ सारा कंस्टेंट है, तो वी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 10 हो गया. अब आप देख लो कितना आसान हो गया, फिफ्थ में निकालना है, सेकंड में वी दिया है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिफ्थ यहाँ आ जाएगा और सेकंड का यहां आ जाएगा 2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिफ्थ में स्पीड निकालनी है, तो उसका फिफ्थ चल यहां आ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल 10 है. सेकंड में जो है बच्चे, सेकंड में हमारा स्पीड v है और उसका चल मैंने ऊपर कर दिया, तो v 5 हो गया बराबर 2/5 ऑफ v इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये है इसके पीछे कहानी, 2/5 ऑफ v इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये है, अगर आपको इक्वेशंस पता है, प्रोपोर्शनलिटी पता है, जो मैंने पहले ही बोल दिया प्रोपोर्शनलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तब ये क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद जो है फॉर सर्टेन एटम एनर्जी लेवल्स ए बी एंड सी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज, एनर्जी वैल्यूज दैट ई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे. तो एनर्जी जो है ई सी की ज्यादा है ई बी से और ई बी की ज्यादा है ई ए से. चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3 आर द वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू बी, बी टू ए, सी टू ए रेस्पेक्टिवली. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जो है, आप देखोगे हर बार पूछा जाता है. तो मैं यहां आपके लिए पहले इसका थोड़ा सा ये डायग्राम बना दूं. तो ये हो गया आपका एन इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल है, तो ये हो गया फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल टू, इसी तरह ये हो गया आपका n इज इक्वल 3 एंड सो ऑन. तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर. तो याद रखना यार, ये जो आपका न्यूक्लियस है एज पर द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, तो न्यूक्लियस बीच में है. तो मैं फिर से वापस अपनी ओरिजिनल डायग्राम में जाऊं, जो मैंने पीछे आपके साथ जो है डिस्कस की है, मैंने यहां पे डायग्राम बनाई थी. तो देख लीजिए आप बच्चों, या आपको याद होना चाहिए कि बोहर ने बोला कि दैट इलेक्ट्रॉन जो है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है. तो इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, उसने कहा था किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है और वो लॉस करता है एज पर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. हम ड्रॉबैक जो है मैंने बोल दिया, बट आप पढ़ के आएंगे. तो अब जो इस शेल में एनर्जी वो फिक्स्ड है, इस शेल में एनर्जी फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स या एनर्जी लेवल्स भी इनको कहते हैं. तो हमने बोहर से पूछा कि क्या इलेक्ट्रॉन कभी लॉस भी करता है एनर्जी, तो बोहर ने कहा डेफिनेटली, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में गिरता है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है, तो यहां पे डेफिनेटली एक फोटॉन बाहर आता है और उसकी एनर्जी जो है वो अपर शेल मतलब E2 माइनस लोअर शेल इज इक्वल टू जो है इट इज एच न्यू इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन आता है. इसको हम बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहते हैं. तो बोहर की और एक कंडीशन भी है कि हमने बोहर से पूछा क्या इलेक्ट्रॉन अब कभी लॉस करता है. आपने बोला कि हर शेल में जिसमें वो मूव करता है उसमें लॉस नहीं करता, क्या कभी लॉस करता है? तो बोहर ने एक कंडीशन दी थी जिसको हम बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहते हैं, जिसमें बोहर ने कहा कि अगर ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल में गिरता है तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ अ फोटॉन. और वो उसकी एनर्जी कितनी होती है? वो होती अपर शेल एनर्जी माइनस लोअर शेल एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, क्योंकि फोटॉन का एनर्जी होता है प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी. तो उसी हिसाब से बच्चे ये क्वेश्चन जो है डिजाइनड है और यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो अब आप देख लीजिए कि फॉर अ सर्टेन एटम देयर आर एनर्जी लेवल्स ए बी एंड सी. अब यहां पे जो इस क्वेश्चन में एनर्जी लेवल्स को ए बी सी से डिनोट किया गया, तो मैं एनर्जी लेवल्स फिर से बना रहा हूं, बट एनर्जी लेवल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी लेवल ए है, ये बी है, ये सी है, और अपर एनर्जी लेवल जो है उसका एनर्जी ई सी ज्यादा है ई बी से और ई बी का ज्यादा है जो है ई वन. ये हो गया एनर्जी लेवल्स का बनाने का तरीका. चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 आर द वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशंस. देख लीजिए ट्रांजिशंस को देख लीजिए उस हिसाब से. सी टू बी जो है सी टू बी ट्रांजिशन में वेवलेंथ लैम्डा 1 इमिट होती है. सी टू बी में जो वेवलेंथ इमिट होती है उसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है. इसी तरह मेरे बच्चे बी टू ए जो है बी टू ए हो गया ये, उसमें जो वेवलेंथ इमिट होती है दैट इज लैम्डा 2, और फिर सी टू ए जो है जो ट्रांजिशन हुआ है उसमें वेवलेंथ इमिट हुआ है लैम्डा 3. हमें बोलना है इन तीन में रिलेशनशिप क्या है. तो अब आप जो है बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन यूज करके आपके लिए मैं लिखता हूं. हम यूज करते हैं बोहर्स, इट इज कॉल्ड एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन. तो अगर ये मैं पीछे छोड़ गया हूं बट यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी कंडीशन. सर बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या कहता है? बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहता है कि अपर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन इमिटेड फोटॉन. तो उस हिसाब से अब हम इसको लिखना जो है ड्रा करना स्टार्ट करेंगे. तो अगर मैं लिखूं यहां पे
देखिए ई सी माइनस ई बी, अगर मैं लिखूं ई सी माइनस ई बी तो यह आ जाएगा एच न्यू, और एच न्यू होता है बराबर एच सी बाई लेमड़ा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा, तो मैं लिख सकता हूं एच सी बाई इट इज लेमड़ा वन। तो ये मेरा पहला इक्वेशन डिजाइन हो गया। इसी तरह मैं लिखूंगा ई बी माइनस जो है दैट ई बी माइनस ई ए है, ठीक है। तो मैं लिखूं अब ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए, तो एनर्जी डिफरेंस एज पर दिस कंडीशन इज एच सी बाई लेमड़ा टू, तो इक्वेशन सेकंड भी डिजाइन हुआ। इसी तरह अगर मैं लिखूं ई सी माइनस ई ए, तो तीन ट्रांजिशंस है, EC माइनस EA का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी फोटॉन की सूरत में आया दैट इज HC बाय लैम्डा 3, ये इक्वेशन सेकंड थर्ड हो गया हमारा। अब हम इन तीन रिलेशंस को कैसे न्यूट्रलाइज करें सो दैट हमें एक रिलेशन डेवलप हो जाए। अगर आप देखोगे बच्चों, अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है क्या, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड कर दूं, यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये माइनस ई बी है और प्लस ई बी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा ई सी माइनस ई ए, क्योंकि ऐड किया है मैंने, तो ये प्लस ये हो जाएगा, बट माइनस प्लस कैंसिल होके यहां माइनस ई आएगा, और यहां बचेगा बच्चे ऐड किया है मैंने एच सी बाई लैम्डा वन प्लस एच सी बाई लैम्डा टू, तो ये हो गया। बट ई सी माइनस ई ए देख लो आप एच सी बाई लैम्डा थ्री है, तो मैं इनको एक जगह लिख सकता हूं, इट इज एच सी बाई लैम्डा वन प्लस एच सी by lambda 2 is equal to बराबर है hc by lambda 3, क्योंकि ec minus ea यहां पे hc by lambda 3 है, और यहां पे डिफरेंस करके यहां पे जो ec minus ea है वो hc by lambda 1 plus hc by lambda 2 है, hc 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 निकल जाएगा, तो आपका 1 by lambda 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2 हो जाएगा बराबर 1 बाई लैम्डा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हुआ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल 1 बाई लैम्डा 3। तो आपको लैम्डा 3 चाहिए शायद, हाँ लैम्डा 3 चाहिए, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, सो दिस शुड बी द आंसर, क्योंकि आपने रेसिप्रोकल लिया, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ऑप्शन नंबर सेकंड। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप जो है करके जाएंगे, तो बोहर्स मॉडल में और एक कंडीशन ऐड हुई, एक तो बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन होता है और जो एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h बाय 2, और दूसरा होता है बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, जब भी अपर शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करता है तो फोटॉन को रिलीज करता है जिसका एनर्जी e2 माइनस e1 होता है h न्यू या hc बाय लैम्डा। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन है इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप जो है इंपॉर्टेंट लिस्ट में ऐड करेंगे, इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, तो एक सैंपल है हाइड्रोजन लाइक एटम का, तो उसमें हाइड्रोजन लाइक एटम, क्योंकि हम बोहर्स मॉडल में हाइड्रोजन लाइक एटम्स ही डिस्कस करते हैं, इन अ सैंपल ऑफ दैट इज अ ड्रॉबैक, इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक atoms all of which are in the ground state, sare ground state mein hai, to a photon beam contain photons of various energies is passed, to usme humne ek photon beam bhej diya jinki energy is different hai, pass kiya, to in absorption spectrum 5 dark lines are observed, 5 dark lines observe hui hai, 5 dark lines observe hui hai, 5 dark lines observe hone ka matlab kya hai, 5 dark lines observe hone ka matlab n usne aapko 6 de diya, kyunki maine aapko pehle slide mein padha diya, aap dekh lijiye yahan pe jab maine bohr मॉडल में पढ़ा दिया आपको, तो यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे आपका जो है, यहां पे जो है ये बिल्कुल ये है, देख लीजिए अगर आपने 5 डार्क लाइंस की बात की तो आपका n जो इन्वॉल्वड है, तो 5 डार्क लाइंस हो गए n माइनस 1, n माइनस 1 आपका जो है 5 आ रहा है, तो n डेफिनेटली 6 होना चाहिए, तब जाके अब्सॉर्ब स्पेक्ट्रम में आपकी 5 डार्क लाइंस आ जाएंगी, ये इस चीज का जो है इंपॉर्टेंस है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स वो होता है n माइनस 1 के बराबर, तो अगर आपको 5 डार्क लाइंस ऑब्टेन हुई है, इसका मतलब आपने जो है आपका n का वैल्यू जो है वो 6 होना चाहिए, तब जाके 6 माइनस 1 जो है वो 5 आ जाएगा। तो कितनी डार्क लाइंस ऑब्टेन हुई, तो n उसी हिसाब से आप जो है उसका हिसाब आप लगाएंगे, तो यहां अगर 5 डार्क लाइंस ऑब्टेन हुई है तो n का वैल्यू वो आपको दे चुका है 6, दैट्स एन इनडायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम 5 डिफरेंट डार्क लाइंस आर ऑब्टेनड, तो डार्क लाइंस ऑब्टेनड जो है, डार्क लाइंस ऑब्टेनड होता है n माइनस 1, और n माइनस 1 आपका 5 आया, 5 कब आएगा, जब आप n का वैल्यू 6 ड्रॉप करेंगे, 6 माइनस 1 ही 5 आएगा, तो दिस इज नंबर ऑफ दैट डार्क लाइंस ऑब्टेनड इज n माइनस 1, और वो 5 आई है, तो n का वैल्यू आपको 6 देना चाहता है, is what makes this question very important. Uske baad the number of bright lines in the emission spectrum, ab jab electron chala gaya kis shell mein chala gaya, hame pata chal chuka hai wo 6th shell mein chala gaya, aur jab electron wahan se girega humse pooch raha hai ki kitne photons bahar aayenge, to number of photons ab emitted, jo photons ab emit ho jayenge, number of photons ab emitted jo hai wo kitna ho jayega, it is n into n minus 1 divided by 2, n ka value 6 aa chuka hai, 6 minus 1 divided by 2, 2 3s are 6, and then 3, 6 minus 1 is 5, 5 3s are 15 is
इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो 15 लाइन्स बाहर आएंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम जो है मिला के पूछा है। तो 5 डार्क लाइन्स ऑब्टेन करने का मतलब एन का वैल्यू 6, अगर वो बोलता 4 डार्क लाइन्स ऑब्टेन हुई है तो एन का वैल्यू 5, क्योंकि 5 - 1 = 4, अगर वो बोलता 8 डार्क लाइन्स ऑब्टेन हुई है तो एन का वैल्यू 9, क्योंकि 9 - 1 = 8 होता है। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एन आपके पास आ गया, फिर वो आपसे पूछेगा इमिशन स्पेक्ट्रम में कितने फोटॉन्स बाहर आए। सो दिस मेक्स इट इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, ये हो गया रिकॉइल बेस्ड। तो मैंने हर एक पैटर्न का क्वेश्चन इस सीरीज में रखा है, दैट मेक्स इट मोर इंपॉर्टेंट, वही इसको इंपॉर्टेंट बना रहा है बच्चे, स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। तो जब वो स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो वो कहना चाहता है कि इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो ये है बच्चे स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम का जो महत्व है, क्यों कहना चाहता है। स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटॉन, एक फोटॉन को इमिट कर रहा है। अब जो फोटॉन जाएगा तो ये फोटॉन बाहर जा रहा है, तो फोटॉन का तो मोमेंटम होता है। फोटॉन आगे गया किसी मोमेंटम से तो आपके हाइड्रोजन एटम को भी उसी मोमेंटम से रिकॉइल करना पड़ेगा, इसको रिकॉइल करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनल मोमेंटम 0 होने के लिए जिस मोमेंटम से फोटॉन आगे जाएगा उसी मोमेंटम से इस एटम को रिकॉइल करना पड़ेगा, सो दैट आपका फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। दिस इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। तो ये हुआ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इमिट्स फोटॉन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। जब फर्स्ट लाइन उसने कहा तो N11 दिया और N22 दिया, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इफ R इज द रेडबर्ग कांस्टेंट एंड M इज द मास ऑफ द एटम, इस एटम का मास M है, तो हमें बोलो देन द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द एटम इज नेगलेक्ट एनर्जी अब्सॉर्ब फोटॉन। तो ये जो किस वेलोसिटी से पीछे रिकॉइल करेगा, ये हमारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड में चल रहा है अभी आपके नीट में कि रिकॉइलिंग ऑफ एटम वो पूछ रहा है, और मैंने पूरा लॉजिक समझा दिया। इनिशियली स्टेशनरी एटम है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनली फोटॉन आगे निकला, इसको रिकॉइल करना पड़ेगा उसी मोमेंटम से, फाइनल मोमेंटम वो भी 0 बनाने के लिए। दिस इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि मास और ये रिकॉइल स्पीड जो है, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा इसका मोमेंटम जो है वो मोमेंटम ऑफ फोटॉन के बराबर होना चाहिए, और मोमेंटम ऑफ फोटॉन होता है एच बाई लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा या ई बाई सी भी मैंने बोला था, बट यहां लैम्बडा की स्टोरी है क्योंकि लैम्बडा में ही बात की है, तो लाइमन सीरीज की बात की है। तो अब मैं लिख सकता हूं मास इनटू वेलोसिटी, इट इज एच बाई एच इनटू 1 बाई लैम्बडा। अब 1 बाई लैम्बडा तो अभी आप जानते हैं, हमने अभी लाइमन सीरीज के लिए एच इनटू 1 बाई लैम्बडा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम की कहानी है, तो आर जेड स्क्वायर हो गया 1, देन इट इज 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, ये इसकी कहानी है। 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 बाई 1 स्क्वायर क्योंकि फर्स्ट लाइन की बात चल रही है, तो पहला शेल 1 है और दूसरा 2 है। तो अब मुझे बोलो, मैं लिख सकता हूं इसको मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल, ये हो गया एच आर, क्योंकि जेड 1 हो गया बच्चे, हाइड्रोजन एटम है, और फिर ये हो गया 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4, तो ये हुआ 3 बाई 4, ये हुआ एम वी इज इक्वल एच आर एंड देन इट इज 3 बाई 4, तो वी चाहिए बच्चे, तो ये हुआ 3 एच आर डिवाइड बाई 4 एम शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 एच आर डिवाइड बाई 4 एम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। बिलीव मी, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रिकॉइलिंग ऑफ एटम, और मैंने गन एंड बुलेट सिस्टम से ही आपको पीछे थ्योरी में भी और इस न्यूमेरिकल में भी एक्सप्लेन किया। उसके बाद है न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें मैंने रदरफोर्ड से लेके बोहर से लेके हर एक पैटर्न, हर एक फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया, और हर एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज में देना चाहूंगा, रदरफोर्ड में आपका जो है इंपैक्ट पैरामीटर या आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम इंपॉर्टेंट होता है, और नंबर सेकंड जो बोहर मॉडल ऑफ एटम में अगर आप देखोगे प्रोपोर्शनलिटी जो है हर एक क्वांटिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड और एन की, और नंबर सेकंड जो है रिकॉइलिंग ऑफ एटम पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका जो है इसमें दूसरा हेडिंग जो है न्यूक्लियस, यहां से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यूक्लियस से बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चंस। अब न्यूक्लियर रेडियो जो होता है कि आप बीच में न्यूक्लियस है बच्चे, दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर द शेल्स, तो अब जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो रेडियस हम इस इक्वेशन से डेवलप करते हैं, दैट रेडियस ऑफ एन एटम आर इज इक्वल इट्स आर नॉट ए रेस्ट पावर 1/3, वेयर ए इज कॉल्ड एज मास नंबर। इस चीज का ख्याल रखेंगे, आर नॉट इज अ कांस्टेंट, और इस आर नॉट ये एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, ये 1.2 या 1.3 फर्मी होता है, फर्मी 1 फर्मी आप जानते हैं, इट इज 10^-15 मीटर, इसका ख्याल रखें, या इसको फेम्टोमीटर भी कहते हैं। तो रेडियस का इक्वेशन है, आप किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकालना चाहते हैं, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आप निकालना चाहते हैं। अब एटम की कहानी खत्म हुई, अब न्यूक्लियस की बात चल रही है, सिर्फ न्यूक्लियस की बात, दैट्स व्हाई ऊपर न्यूक्लियस लिखा है। अब रेडियस हर एक न्यूक्लियस का होता है आर नॉट, एक कांस्टेंट है, और ये 1.2 फर्मी है, ए इज पावर 1/3। सर ए क्या है, तो मैं आपको बोल दूं ए जो है ये मास नंबर होता है, इट इज मास नंबर, इसका ख्याल रखिए कि कितने न्यूक्लियस उसके अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है, रिमेंबर दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। जब आप 4/3 πr³ इसको क्यूब करेंगे तो यहाँ क्यूब आने से ए जो है ये सिर्फ ए पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी एंट्रेंस में पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस स्फीयर एंड वॉल्यूम इज 4/3 πr³। अगर आप इसको क्यूब कर देंगे 4/3 πr³, ए पे भी क्यूब आएगा, तो डिपेंडेंसी सिर्फ ए पे रिड्यूस होगी। उसके बाद होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, और सबसे इंपॉर्टेंट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। देख लीजिए, रेडियस डिपेंड करता है मास नंबर पे, कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया पर 1/3। वॉल्यूम न्यूक्लियस के मास नंबर पे डिपेंड करता है, बट याद रखना डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस इन द पीरियडिक टेबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इट इज कांस्टेंट, एंड रिमेंबर इट्स वैल्यू इज 10^17 kg/m³। ये वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। कोई भी न्यूक्लियस पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन हो या यूरेनियम हो, इनका जो डेंसिटी है न्यूक्लियस का, अब ये ऐसी बात होगी, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, अगर ड्यूटेरियम है तो जो उसका साइज है वो अकॉर्डिंगली छोटा होगा, जबकि यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स है, अकॉर्डिंगली उसके न्यूट्रॉन्स है बीच में, तो उसका साइज बड़ा होगा, बट जो डेंसिटी है मास, दैट्स मास बाय वॉल्यूम, जो है वो कांस्टेंट है। और हर एक न्यूक्लियस का पीरियडिक टेबल में डेंसिटी कांस्टेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10^17 kg/m³, ये आप इक्वेशंस का सेट याद रखिए। उसके बाद जो है ये बाइंडिंग एनर्जी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी करो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, पहले बाइंडिंग एनर्जी ऐसी बात होगी, अगर आप एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस की बात करें, इंडिविजुअल न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, हमने हमेशा देखा कि उस न्यूक्लियस का मास कम होता है इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियॉन्स। मतलब अगर एक न्यूक्लियस को आप तोड़ेंगे, फिर क्योंकि न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, वाइल एज इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल पार्ट है, और न्यूक्लियस की बात हम कर रहे हैं अभी, तो अगर आप एक प्रोटॉन के न्यूक्लियॉन्स को अलग से जो है उनके मास को देखेंगे, मतलब प्रोटॉन्स जितने हैं उनका मास ऐड करेंगे, न्यूट्रॉन्स जितने हैं उनका मास ऐड करेंगे, तो ऐड करके जो वो मास है वो हमेशा न्यूक्लियस से ज्यादा होता है। इसका मतलब कुछ मास तो गायब हो गया है न्यूक्लियस के बनने में, उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। और आइंस्टाइन कहता है अगर आप उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको देगा कि कितनी एनर्जी इमिट हुई है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, या कितनी एनर्जी देनी है उस न्यूक्लियस को स्प्लिट करने में उसके न्यूक्लियॉन्स में, उसी एनर्जी को बच्चों हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी इज दैट एनर्जी विद विच द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस, और इट इज दैट एनर्जी विच इज गिवन बैक टू द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस विल स्प्लिट इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चूंकि फिनिशिंग टच है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मॉडर्न फिजिक्स जो है तकरीबन 3 महीने या 2.5 महीने पढ़ाया जाता है क्लासरूम प्रोग्राम्स में, बट यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करना और इतने मिनिमम टाइम में, इसीलिए जो है जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आराम से समझ लीजिए कि बाइंडिंग एनर्जी का सिंपल कंसेप्ट ये है कि एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रह रहे हैं, अगर उस पूरे न्यूक्लियस का मास हम अलग से निकालते हैं और फिर इसको तोड़ के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास हम ऐड करते हैं, दिमाग कहता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास ऐड करके जो है वो न्यूक्लियस के बराबर होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, हमेशा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कंबाइनड मास है वो हमेशा इससे ज़्यादा होता है। मतलब न्यूक्लियस बनने में कुछ मास डिसअपीयर होता है, जिसको मास डिफेक्ट कहते हैं, और आइंस्टाइन कहता है वो एनर्जी में रिलीज हुआ, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर गिव्स यू द एनर्जी इन द जूल्स, बट हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालते हैं, इसलिए से मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैं आपको समझाऊं। तो ये है बच्चे इक्वेशन का खेल, कि मतलब अगर एक कोई भी न्यूक्लियस आपके पीरियडिक टेबल में है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, तो इसका जो मास होगा वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियन जिनसे बना है। तो वही मैंने लिखा है, एक न्यूक्लियस है आपका, और अब आप इसको न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करो तो ये प्रोटॉन्स में होगा और न्यूट्रॉन्स में होगा। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है Z × p, क्योंकि Z उसका नंबर है, प्रोटॉन नंबर मल्टीप्लाइड बाई p, और फिर न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन हो गया मास नंबर माइनस दिस, तो ये हो गया प्लस ए माइनस जेड, ये हो गया न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय दैट जो है एक न्यूट्रॉन का मास। तो जो यहां डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, तो इसका मास जो है इनका जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन्स का मास जो है वो हमेशा न्यूक्लियस से ज्यादा होगा, और इसमें जो डिफरेंस होगा जिसको मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, मास डिफेक्ट मतलब हो गया इसका मास प्लस इसका मास, ये ज्यादा होगा, फिर माइनस किससे, इसका मास, तो वही हो गया दैट इज जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गया इंडिविजुअल न्यूक्लियंस का मास, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास माइनस mx, क्यों, क्योंकि ये मास हमेशा न्यूक्लियस से ज्यादा होता है, तो माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। और फिर आइंस्टाइन कहता है कि वहां अगर इस मास डिफेक्ट को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी जो जूल्स में मिलेगी, बट हम हमेशा जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी की बात करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, इसीलिए हमने डेल एम मल्टीप्लाइड बाय 931.5 ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लाने के लिए 931.5
5 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है एनर्जी, अदरवाइज बाइंडिंग एनर्जी इज डेल एम इनटू सी स्क्वायर, बट ये जूल्स में एनर्जी आपको देगा। बट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की बात करते हैं, सिस्टम जो एनर्जी का यूनिट हम लेते हैं, इसीलिए 930 वो सारा कन्वर्जन करके या 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी आती है। तो इतना कंक्लूजन याद रखिए कि इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास हमेशा न्यूक्लियस से ज्यादा होता है, जो गायब हुआ होता है उसको बाइंडिंग उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं, और मास डिफेक्ट ही अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर गिव्स यू एनर्जी, या अगर आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिस्टम में लाना चाहते हो तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वो फैक्टर है जो उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाता है 931.5। अब है बाइंडिंग एनर्जी करो, अब बाइंडिंग एनर्जी करो जो है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर जो है हम प्लॉट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हमें स्टेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं देता, इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हर न्यूक्लियन के हिस्से में कितनी एनर्जी आ रही है वो स्टेबिलिटी जो है हमें एक्सप्लेन करता है इन कंपैरिजन। तो बाइंडिंग एनर्जी मैं ऐसे ही क्लासरूम में समझाता हूं कि मतलब अगर एक पेरेंट के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और उसके 2 बच्चे हैं तो अब उनका जो हिस्सा आ जाएगा वो 50-50 लाख आएगा। फिर दूसरा पेरेंट है उसके पास भी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मगर उसके 4 बच्चे हैं तो हर एक की प्रॉपर्टी जो है 25-25 लाख है। ज्यादा स्टेबल सिस्टम कौन होगा जिसके पास 50-50 है, मतलब ये इट्स नॉट अ बाइंडिंग एनर्जी, इसके पास भी 1 करोड़ है जिसके 2 बच्चे हैं और इसके पास भी 1 करोड़ है जिसके 4 बच्चे हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है शेयर कितना है, जिसके पास 2 बच्चे हैं उसको 50-50 लाख वो बच्चे ज्यादा स्टेबल होंगे और जिसके पास 1 करोड़ है बट 4 बच्चे या 6 बच्चे उनका शेयर भी कम है। तो इट इज नॉट बाइंडिंग एनर्जी, 1 करोड़ इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें देखना है उसके बाद जो वो बट जाएगा वो कितने हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंपॉर्टेंट विच गिव्स अस स्टेबिलिटी, नॉट बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उसे स्टेबिलिटी का इफ हमें क्राइटेरिया जो है हम उस पर डिसाइड नहीं कर सकते कितना स्टेबल है, हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हर एक के हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आ रही है दैट एस्टैब्लिश द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही मैंने लिखा दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपने पढ़ा होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स में वर्सेस मास नंबर, मास नंबर आप जानते हैं ना, मास नंबर जो है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसीलिए स्केल को लंबा कर दिया तो 0 to 50 मतलब 50 मास नंबर तक जो है या 0 to 40 आप ले सकते हैं, फिर 40 ऐड करेंगे तो वो कैल्शियम 20 के लिए 40 होता है उसका मास नंबर। तो ये मास नंबर और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन कोई पूछे तो मैंने समझा दिया। तो हमने जब इसका ये ग्राफ देखा तो इस शेप का आता है, ये जो है ये डाटा ऑब्टेनड ग्राफ है, ये लोगों ने किया है इस पे काम और फिर ये ऑब्टेन हुआ है। तो इसे ये पता चलता है कि जैसे जैसे आपका मास नंबर इनिशियली बढ़ना स्टार्ट करता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है। सबसे स्टेबल न्यूक्लियस पीरियडिक टेबल में आयरन है, आयरन 2656, याद रखना सबसे स्टेबल न्यूक्लियस जो पीरियडिक टेबल में आयरन 2656 जिसका मास नंबर 26 है, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है और मास नंबर 56, कि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन याद रखना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसमें 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस पीरियडिक टेबल में है। इससे नीचे अगर आप देखोगे जितने भी मास नंबर 56 से कम वाले मास नंबर जो है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कम है और इसके आगे भी जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो घटना स्टार्ट करता है और 210 के बाद 210 जो है 210 के बाद जो है मास नंबर के न्यूक्लियन जो है उनका बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम हो जाता है। जैसे यूरेनियम 92 जो है 236 या 238 का 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मतलब सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी इस रीजन में है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी इस रीजन में है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहां पे है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहां सबसे ज्यादा है। तो यहां पे भी अनस्टेबिलिटी है और यहां पे भी अनस्टेबिलिटी और ज्यादा अनस्टेबिलिटी 210 एटॉमिक नंबर के बाद, जब आप मास नंबर के बाद सॉरी जब आप जाना स्टार्ट करोगे तो ये फॉल होना स्टार्ट करेगा और ये स्टेबल रीजन है। यही एक्सप्लेन करता है बाइंडिंग एनर्जी करू, ये एक्सप्लेन करता है फिशन और फ्यूजन। अब मुझे बोलो कि फ्यूजन क्यों होता है सर, फ्यूजन क्यों होता है क्योंकि दो लाइटर न्यूक्लियस है वो जो ऐड होना चाहते हैं और यहां की तरफ मास नंबर, क्योंकि इसका भी मास नंबर कम है इसका भी मास नंबर कम है, अगर ये जुड़ जाएंगे तो इनका मास नंबर बढ़ेगा, जब मास नंबर बढ़ेगा तो वो इस रीजन की तरफ शिफ्ट होगा, जब इस रीजन की तरफ शिफ्ट हो गया तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बढ़ जाएगा। दैट एक्सप्लेन्स व्हाई फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द सेम फैशन, कि फ्यूजन क्यों होता है क्योंकि जो हैवियर न्यूक्लियस होते हैं जिनका मास नंबर ज्यादा होता है 210 से ज्यादा उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, इसीलिए अपने आपको डिवाइड करके इस रीजन में छोटे दो न्यूक्लियस में डिवाइड होना चाहता है, क्योंकि जब मास नंबर डिक्रीज होगा तो ये स्केल पे यहां की तरफ आएगा, जब स्केल पे यहां की तरफ आएगा तो इस रीजन में एंटर करने की कोशिश करेगा और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई फिशन एंड फ्यूजन टेक्स प्लेस। अदरवाइज जब मैं क्लास में पूछता हूं फिशन क्यों होता है तो बच्चा बोलता है सर फिशन में एक बड़ा न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियस में ब्रेक होकर स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है। मैं पूछता हूं फ्यूजन क्यों होता है, बोलते हैं दो लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होकर फ्यूज होकर स्टेबिलिटी, ये तो नॉनसेंस हो गया इन द फैशन के बड़ा भी अनस्टेबल है और दो छोटे भी अनस्टेबल है, ये कौन सा लॉजिक हो गया। बट दिस ग्राफ एक्सप्लेन्स इट ब्यूटीफुली कि यहां पे भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, ये मिलके वो बढ़ाना चाहते हो इस रीजन में जाना चाहते हैं और यहां पे भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और ये ब्रेक होकर इस रीजन में आना चाहता है। दैट एक्सप्लेन्स
why fission and fusion takes place. Iron 2656 sabse zyada binding energy per nucleon carry karta 8.75. andaaza karo ek nucleon ki energy 8.75, ab 56 multiply karo utni binding energy hai iron ke paas. ye iska hidden concept hai jo bahut important hai. aur sabse important baat ye yaad rakhna aap, to reaction hamesha us taraf chali jati hai. agar fission ka aap motive dekhenge ya fusion ka motive dekhenge ki binding energy per nucleon badhna chahiye, to matlab hamesha reactants product ki taraf tab jayenge. ye reactants hai product ki taraf gaye, ye रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट की तरफ तब जाता है जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है. ये एक्सप्लेन करता है क्यों रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बढ़ाए. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. मतलब इन दोनों का काम है इस रीजन में घुस के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना. तो ये एक्सप्लेन करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों हो जाती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्यों आना चाहते हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बाइंडिंग एनर्जी. उसके बाद याद रखना यह है आपका क्वेश्चन जो है ए न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, क्योंकि ये भी रिकॉइल बेस्ड, ये भी लाफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन है. तो एक न्यूक्लियस है बच्चे, एक न्यूक्लियस है आपके पास, ए न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स. तो न्यूक्लियस है इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है. अब ये दो हिस्सों में बट गया हैविंग रेडाई इन द रेशो. तो R1 बाय R2 जो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि ये स्फीयर होता है तो जो दो हिस्से वो भी स्फेरिकल होंगे. उनका रेशो दिया है 1:2. हमें बोल रहा है द वेलोसिटीज आर इन द रेशो. अब जब ये निकलेंगे तो इनकी वेलोसिटीज, तो बच्चा जो है यहां कंफ्यूजन शिकार हो जाता है कि ये ब्रेक हुआ, अब ये भागेंगे तो कौन सी वेलोसिटीज कैसे लिखेंगे हम, कुछ करने की जरूरत नहीं. अब मुझे बोलो इनिशियल मोमेंटम जीरो, न्यूक्लियस रेस्ट पे है, अब स्प्लिट हुआ, एक टुकड़ा यहां जाएगा. सर यहां अपोजिट क्यों जाएंगे, क्योंकि इसका मोमेंटम जो है इसके मोमेंटम के बराबर होके फाइनल मोमेंटम भी जीरो. अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड. अब मुझे बोलो ये जो हिस्सा है इसका मास इंटू वेलोसिटी 1 इज इक्वल इस हिस्से का मास इंटू वेलोसिटी 2. मैं बिलीव करता हूं इस हिस्से का मास m1 है, इस हिस्से का मास m2 है. अब जितना मोमेंटम से आगे जाएगा उतने मोमेंटम से पीछे जाएगा. अगेन रिकॉइलिंग बेस्ड क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट. अब मास कैसे लिखोगे, क्योंकि दोनों हिस्से एक ही न्यूक्लियस के हैं. मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी मैं मानता हूं एक ही न्यूक्लियस है, उसके हिस्से भी उनका भी डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी सेम है इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम होता है बराबर 4/3 पाई R³. तो इस पहले हिस्से का R1 मैं मानता हूं, क्योंकि स्फेरिकल है और स्फीयर में ही ब्रेक हुआ, 4/3 पाई R³ बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू m2 रो इनटू 4/3 पाई R³. तो पाई R²³ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय V2. तो यहां पे V1 में जो भूल गया, आप मुझे बोलो कैंसिलेशन में आप मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, रो कट जाएगा, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा. तो V1 बाय V2 जो आपका है वो आ जाएगा बच्चे R2 डिवाइडेड बाय R1 का क्यूब. आप मुझे बोलो R2, बट आपके पास R1 बाय R2 है, तो अब आप लिख सकते हैं इट इज R1 बाय R2 जो है वो 1/2 है, तो 2 ऊपर नीचे 1 आ जाएगा क्यूब. तो 8:1 शुड बी द रेशियो ऑफ दिस क्वेश्चन, 8:1 इज द राइट आंसर. तो ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिर से वही इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम बैलेंस करके आपको मिलता है. तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस क्वेश्चन. उसके बाद है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टिपिकल मिडिल मास न्यूक्लियस स्ट्रोंशियम 50-120. तो आपके पास स्ट्रोंशियम है बच्चे, मैं आपको इसका आइडिया इंट्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी होती है, आपको करनी पड़ेगी अगर आपको व्हाइट एप्रन पहनना है. तो एक मिडिल मास न्यूक्लियस है जो हुआ इनटू इट इज कनेक्टेड न्यूक्लियंस में. तो सीधी बात है, एक तो प्रोटॉन है, न्यूक्लियंस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं. अब यहां पे आप आइडिया लगा सकते हैं स्ट्रोंशियम में 50 प्रोटॉन से, तो यहां सीधे 50 आ जाएगा, और 120-50 होता है 70, तो इसमें जो है 70 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे. इस चीज का ख्याल रखेंगे आप. तो 50 प्रोटॉन्स और 70 न्यूट्रॉन्स में ब्रेक हुआ, तो इनटू इट्स कनेक्टेड न्यूक्लियंस. तो ये हो गया आपका स्ट्रोंशियम. स्ट्रोंशियम का मास दिया बच्चे, अब यहाँ ख्याल जो है अब आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये स्ट्रोंशियम का मास है, बिल्कुल इसका मास दिया है. कितना मास दिया है, 119.90 ये थोड़ा कैलकुलेशंस में होता है बट करना पड़ता है. इट इज़ यू इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट. तो ये इसका मास है. फिर हर एक प्रोटॉन का मास है, एक प्रोटॉन का मास दिया है, एक प्रोटॉन का मास है 1.00. और फिर बच्चों आप देखो 7825, ये एक प्रोटॉन का मास है. मुझे 50 का निकालना है तो दिमाग कहता है इसको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपको करना पड़ेगा. इसी तरह एक न्यूट्रॉन का मास आपको प्रोवाइडेड है, वो है 1.00, ये करना ही करना पड़ेगा आपको. 8665 मल्टीप्लाइड बाय ऐसे 70 न्यूट्रॉन्स है, तो 70 जब ये मास आप देखोगे और ये आप कैलकुलेट करोगे, तो इन दो का एड जो है वो मास हमेशा इससे ज्यादा आएगा. तो इन दो का एडिशन माइनस दिस आपको मास डिफेक्ट देगा. तो आप जब पहले मास डिफेक्ट निकालोगे, कैसे निकालोगे,
ये मास और ये मास ऐड होके आप हमेशा देखोगे ये हमेशा इससे ज्यादा आएगा, तो इनका डिफरेंस आपको मास डिफेक्ट देगा और फिर बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। ये मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर आ जाएगा। और बिलीव मी, इसका आंसर जो है 1021 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये आप कैलकुलेट करेंगे, करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि अभी मैं इसको करता बट टाइम कंज्यूमिंग है। बेटर इज टू एक्सप्लेन अनदर कंसेप्ट देन टू डू मैथमेटिक्स हियर, कि मैं आपको यहाँ मल्टीप्लीकेशन दिखाऊँ, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर इन दो का ऐड करूँ मास में, और फिर ये मास जो है ये इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमेशा जो न्यूक्लियंस है उनका मास एक्चुअल न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है। जो डिफरेंस है उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं, और जब मास डिफेक्ट को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है आप कन्वर्ट करके जो देखेंगे, इट इज 1021 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। बट ये छोड़ना नहीं, ये करना, क्योंकि एंट्रेंस में पूछ सकता है चार मार्क्स के लिए। उसके बाद जो है ये है, कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक्स फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी कैलकुलेशन है। इसका जो मास नंबर है ऊपर लिखा है मास नंबर, दैट्स 200, और फिर ये कन्वर्ट हुआ है ए में जिसका मास नंबर है 110, क्योंकि ऊपर टॉप पे मास नंबर होता है और बॉटम पे एटॉमिक नंबर होता है, उसका ख्याल रखेंगे। प्लस बी में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है जिसका आपका मास नंबर 90 है, प्लस यहाँ कुछ एनर्जी बाहर आई है। अगर यहाँ कुछ एनर्जी बाहर आई है तो डेफिनेटली यहाँ मास डिफेक्ट है। तो मास डिफेक्ट देखो, यहाँ एनर्जी बाहर आई है तो मतलब यहाँ मास ज्यादा है, यहाँ मास कम है। जब यहाँ मास कम है वही एनर्जी की सूरत में बाहर आया, इट मीन्स देयर इज अगेन अ मास डिफेक्ट एंड देयरफॉर अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम जो है अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो कंसीडर दिस रिएक्शन, तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन की एनर्जी, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस दिस एंड दिस इज, तो हर एक का, पहले का 7.4 मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगा सो दैट आपको दिखे, दूसरे का ये है 8.2 और तीसरे का भी 8.2 द एनर्जी रिलीज्ड इज। तो पहली बात देख लो, आपका एक्स 200, तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है आपको 7.4। बच्चे गलती से भी है आप ये 7.4 एनर्जी नहीं लेना, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 200, तो यहां पे एक वैल्यू आ जाएगा। तो इट इज अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे पहले आप एक जीरो उड़ा दीजिए, ये 74 हो जाएगा, तो 2 4 8 2 4 8 2 7 14, तो जीरो, तो ये हो गया इसका एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। इन द सेम फैशन इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.2 दिया है, इसका बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन जो है 8.2 दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे 110 से। जब आप 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 हो जाएगा, और फिर 82 को आप देख लीजिए 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा और एक स्टेप में लूं, 82 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो इट इज 28 एंड देन इट इज 28, तो ये हो गया 28 और 2 हो गए 10 और फिर ये हो गया 9, तो ये हो गया इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी, इसका ख्याल रखिए। इसी तरह यहां पे आप देख लीजिए इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेन 8.2 है, इंटू 90 से मल्टीप्लाई करना है। एक स्टेप और आगे करते हैं, ये हुआ 82 इंटू 9, 9 2 18 18, एक कैरी हुआ, देन इट इज 9 8 इट इज या मैं सीधे मल्टीप्लाई कर दूं, इधर आप कैलकुलेशन से हम थोड़ा बच के चलते हैं। इट इज डायरेक्टली 82 मल्टीप्लाइड बाय आपका जो है 9 है, या 738, ये आपका 738 आया। अब आप देख लीजिए बच्चे, इन दो को ऐड करिए, इन दो को ऐड करिए, इनका जो है मैंने बोला अभी रिएक्शन तब फॉरवर्ड जाता है जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाता है, तब जाके रिएक्शन फॉरवर्ड। तो अगर ये इधर चला गया इसका मतलब इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होना चाहिए। इन दो का बाइंडिंग एनर्जी ऐड करते हैं तो ये हुआ 902 प्लस 738, 8 और 2 हो गया 10, 0, ये हो गया 4 और उसके बाद ये हो गया 16, तो ये 1640। अगर आप देखोगे रिएक्टेंट साइड से 1480 है, डेफिनेटली प्रोडक्ट साइड में अगर आपसे कोई पूछे रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों चला गया, आप बोलना सर हमें दिमाग ये कह रहा है कि यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दो का जो है वो ज्यादा होना चाहिए एज पर द रिएक्टेंट। तो अब अगर आप देखोगे वो हो गया 1640, यहाँ 1840, तो 1640 में से आप जो है 1480 माइनस करिए, द डिफरेंस विल बी दैट एनर्जी इमिटेड। और आप देख लीजिए 0 में से 0, ये भी 0, तो 16 में से 8 हो गया 16, तो ये क्या हुआ 1640, हाँ 1640 माइनस 1480, तो ये हुआ 1840 0 0 16 6 16 माइनस 8, तो यहां बचा 8, ठीक है 8 बच्चा यहां पे, मैं ये देखो मैं 1840 लिख रहा हूं, इट इज 1440 बच्चे, सॉरी फॉर दिस, इट इज 1440। तो देख लीजिए 0 0 6 में 4, 6 में से आपका जो है 1440 है, 1480, देखो फिर से गलत, पता नहीं कहां हूं मैं, 1480 80 देख लीजिए 0 0,
ये होता है कैलकुलेशन एरर. 14 में से आपका 8 तो ये हुआ 6 और 5 में से 4 इट्स 1 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी आंसर. देख लीजिए 160. तो ये होता है बच्चों जब आप जल्दी में करना चाहोगे इसका बेस्ट एग्जांपल ये है. तो आप जो है यहाँ 1480 है, दो बार मैंने गलत लिखा, कभी 1440 कभी कुछ और 1840. तो आप इसको कैलकुलेशंस में हमेशा तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिला सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपको समझ आ गई कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना चाहता तो क्यों जाना चाहता है, क्यों वो चाहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए. दैट इज़ वाई इन दो का कंबाइंड बाइंडिंग एनर्जी जो है रिएक्ट प्रोडक्ट्स का वो जो है न्यूक्लियस से ज़्यादा है. दैट्स वाई रिएक्शन जो है फॉरवर्ड सेंस में जाना चाहती है. ये केमिस्ट्री से लेकर फिजिक्स में ट्रू है. उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार मैं कराता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेज मास नंबर फॉर न्यूक्लियर इशू इन द फिगर. तो आपका जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड न्यूक्लियर फोर न्यूक्लियर के लिए इंडिकेट इन द करो द प्रोसेस दैट विल रिलीज एनर्जी. आपको बोलना है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया है किसके लिए डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, तो आपको बोलना है वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होगी. तो अब मैंने अभी आपके साथ न्यूमेरिकल में डिस्कस किया कि रिएक्शन तभी रिएक्टेंट्स हमेशा प्रोडक्ट्स में तब जाते हैं जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़े. तो प्रोडक्ट्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ना चाहिए इन कंपैरिजन टू रिएक्शन, तभी उसी सूरत में जो है रिएक्शन फॉरवर्ड होगी. ये इसका कंसेप्ट है, याद रखिए. फिर से एक बार सुनिए, रिएक्टेंट्स तब प्रोडक्ट्स में जाना चाहेंगे जब प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट साइड से ज्यादा होगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब इनमें आपको देखना है कि कौन सी प्रोसेस फिजिबल है. तो पहला जो है y gives 2z. तो अब आप ग्राफ में देखिए y जो है ये रिएक्टेंट है और वो 2z. तो मुझे बोलो y 2z, y का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट का कम है, ऐसा रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि आप कभी नहीं चाहोगे, प्रोडक्ट कभी नहीं चाहेगा कि उसका बाइंडिंग एनर्जी गिर जाए, क्यों अनस्टेबल नहीं होना चाहता ना. तो पहला प्रोसेस जो है बिल्कुल गलत है. दूसरा है w gives x plus z. देखो w दे रहा है x, ठीक है, और z का तो कम हो रहा है. तो प्रोडक्ट्स का बाइंडिंग एनर्जी बढ़ना चाहिए, इसका बढ़ा बट इसका नहीं बढ़ा, तो ऐसा रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है. तो इससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो इस क्वेश्चन से. x gives y plus z, तो x y plus z दे रहा है, x ठीक है, y दे रहा है, ठीक है सर, बट z फिर से तो डिप नहीं हो सकता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिप नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, ऐसी रिएक्शन होती नहीं है. तो w gives 2y, w जो है वो 2y, देख लीजिए w gives 2y, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है. सो दिस शुड बी द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसका कंसेप्चुअल पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो जिसको हम क्यू वैल्यू कहते हैं. अब क्यू वैल्यू जो है ये वो एनर्जी होती है जो एक रिएक्शन में या एक प्रोसेस में एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम क्यू वैल्यू कहते हैं. अब आप देख लीजिए ये एक रिएक्शन है बच्चे, ये एक रिएक्शन है जो इसमें एनर्जी बाहर आई, इसी वैल्यू को एब्जॉर्ब और इवॉल्व होने वाली एनर्जी को हम क्यू वैल्यू कहते हैं. तो एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z1, मास नंबर A1, एक दूसरा न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z2, मास नंबर A2, और फिर इन्होंने एक रिएक्ट प्रोडक्ट को जन्म दिया C और D का जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर है, प्लस एनर्जी. ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है इसी एनर्जी को बच्चों हम क्यू वैल्यू कहते हैं. अब ये क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. तो क्यू वैल्यू कैसे हम ऑब्टेन करें, हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को. मैं आपको दो तीन तरीके देता हूं क्यू वैल्यू निकालने का तरीका. या तो आप बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट, अभी जो आपने क्वेश्चन किया ये भी क्यू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो एनर्जी बाहर आई इसको भी आप क्यू वैल्यू का नाम दे सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन भी वही था कि हमेशा रिएक्शन आगे जाती है कि प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी जो है रिएक्टेंट से ज्यादा होता है. दैट इज वाई मैंने लिखा यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक तरीका. दूसरा क्यू वैल्यू निकालने का वही मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो आपने अभी एनर्जी जो आपने बाइंडिंग एनर्जी में एनर्जी कैलकुलेट की, तो वो जो इवॉल्वड एब्सॉर्ब्ड एनर्जी उसी को तो हम क्यू वैल्यू कहते हैं. तो ये एक तरीका है बाइंडिंग एनर्जी क्यू वैल्यू निकालने का. या तीसरा क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी निकालने का हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. अब न्यूमेरिकल डिसाइड करेगा कि आप कैसे क्यू वैल्यू निकालोगे. तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, जो अभी आपको न्यूमेरिकल मैंने पीछे डिस्कस किया इस तरीके से आपने किया, कुछ न्यूमेरिकल्स में हम मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय जो इससे पहले वाला न्यूमेरिकल था जिसमें मैंने बोला प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ऐड करिए और फिर न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है डिफरेंस विल बी द मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931. या अगर आप काइनेटिक एनर्जीज की बात करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रोवाइड है, तब भी आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो और उसी को हम क्यू वैल्यू कहते हैं. और इससे आप इस साल एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके जो है आगे चल सकते हो. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, इसमें अल्फा डीके आता है. अब अल्फा डीके क्या है, अल्फा डीके
ये हो गया कि जब मैंने अभी आपको जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो करु दिखाया, मैंने बोला 210 मास नंबर के बाद न्यूक्लियर अनस्टेबल होते हैं, और वो हमेशा जो है जब अनस्टेबल होते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स इमिट करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, और उसमें जो है उस डिके को हम अल्फा डिके कहते हैं, और अल्फा डिके मेरे बच्चों याद रखना आप, अल्फा डिके होता है दैट हीलियम 24 जो है, हीलियम 24 या जिसको हम हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं ये बाहर आता है, इसी को हम जो है हीलियम न्यूक्लियस, इसी को हम अल्फा डिके कहते हैं। बट अल्फा डिके में वो आपसे देख लीजिए, अब आपका न्यूक्लियस है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, मान लीजिए इसे अल्फा डिके हुआ, जब इसे अल्फा डिके होगा तो इसका एटॉमिक नंबर एक डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, अल्फा डिके में देखिए प्रोटॉन नंबर 2 कम हो जाएगा तो यहां जेड माइनस 2, मास नंबर 4 यूनिट से कम होगा तो ये ए माइनस 4, इतना आपने पढ़ा होना चाहिए, और प्लस जो है बच्चे यही हुआ, प्लस यहां से हीलियम 24 बाहर आएगा, इस डिके को हम अल्फा डिके कहते हैं। अब जो ये दो न्यूक्लियस जो है, एक डॉटर न्यूक्लियस और हीलियम बाहर आया, इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होती है बाहर आने पे, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, क्योंकि ये वही गन एंड बुलेट सिस्टम रिकॉइल वाला क्वेश्चन, तो ये न्यूक्लियस था, उसने अल्फा पार्टिकल छोड़ा, जब अल्फा पार्टिकल किसी मोमेंटम से आगे जाएगा तो डॉटर न्यूक्लियस रिकॉइल करेगा, तो बिल्कुल ये रिकॉइलिंग बेस्ड क्वेश्चन, देख लीजिए कितनी जगह रिकॉइल है, रिकॉइल कितना है मॉडर्न फिजिक्स में, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के बना सकता है कि इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम जीरो होने की वजह जो वजह है वो एक ही तरीका है, इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम जीरो, एक ही तरीका है कि अगर अल्फा आगे जाएगा तो इसको पीछे रिकॉइल करना पड़ेगा, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी आपका अल्फा का भी आता है और काइनेटिक एनर्जी वाई का भी आएगा इन टर्म्स ऑफ क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू प्रोवाइडेड होगा, अगर नहीं दिया होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अर्लियर मेथड से, तो ये काइनेटिक एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये बच्चों को याद नहीं रहता, सर कितना याद रखेंगे, बहुत प्रेशर होता है, तो कोई मसला नहीं, काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों पी स्क्वायर बाय 2m, या आपने काइनेमेटिक्स से लेकर डायनेमिक्स में बहुत बार पढ़ा होता है कि काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m, तो पी जो है मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बराबर 2 बराबर, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, बस ये की है याद रखने की, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं अल्फा पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब इस जब आप काइनेटिक एनर्जी अल्फा का लिखेंगे तो मास आ जाएगा डॉटर का, तो देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी अल्फा, ऊपर आएगा मास डॉटर का, है ना, डॉटर का कितना मास है ए माइनस 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना था ए मल्टीप्लाइड बाय क्यू वैल्यू, इसी तरह अगर आप वाई का निकालना चाहते हैं, ये इसका निकालना चाहते हैं, तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, तो अल्फा का मास ऊपर आएगा, दैट इज व्हाई ऊपर 4 आया, डिवाइडेड बाय टोटल मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्यू वैल्यू, जिसको ये इक्वेशन तो याद रही वो आप आराम से कर सकता है, तो तरीका ये है काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, उस बेसिस पे आप क्वेश्चन ले सकते हैं, जब आपको अल्फा का निकालना है तो मास ऊपर डॉटर न्यूक्लियस का आएगा डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय क्यू वैल्यू, और जब आपको डॉटर न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मास ऊपर अल्फा का आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय क्यू वैल्यू, बट बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये इक्वेशन याद करेंगे लॉजिक के साथ, ये है आपका बीटा डीके, पता होना चाहिए आपको बीटा डीके होता है कि जब बीटा और जो बीटा डीके होता है बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव, ये डीके तब होते हैं बच्चे जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का रेशियो जो है वो जो है डिस्टर्ब होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो अगर जो है डिस्टर्ब हो जाए तब अल्फा और तब बीटा डीके होता है, बीटा डीके होता है गामा डीके उसके साथ एसोसिएट होता है। अब मैं आपको दिखाऊं बीटा डीके में दो टाइप्स होते हैं, वन इज बीटा नेगेटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके के वक्त एक्चुअली न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसीलिए जो न्यूट्रॉन है जिसका जो है एटॉमिक नंबर 0 है मास नंबर 1, वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है प्लस इलेक्ट्रॉन निकलता है, और उसके साथ जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये एक रेडिएशन निकलती है, इसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो इसका ख्याल रखना, ये एक इनर्जी रेडिएशन होती है, इसका मास नहीं होता, इसका एटॉमिक नंबर नहीं होता, और जब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है तो उस न्यूक्लियस में अब एक न्यूट्रॉन गायब हो चुका है बट प्रोटॉन बढ़ा, इसीलिए एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा, और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आया और उसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो डायरेक्टली ऑस्कर ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस में, कि जब बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसके साथ कौन सी रेडिएशन बाहर आती है, उस रेडिएशन का नाम एंटी न्यूट्रिनो, ये सबसे पहले पॉली ने कहा था और फिर लेटर कंफर्म भी हुआ, इन ऑर्डर सर ये बाहर क्यों आती है रेडिएशन, इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी एंड मोमेंटम, ये इसका कंसेप्चुअल हिस्सा है। इसी तरह जब बीटा पॉजिटिव डीके होता है तो पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आता है, इसको हम बच्चे पॉजिट्रॉन डीके भी कहते हैं, याद रखना इसको पॉजिट्रॉन डीके कहते हैं, और बीटा नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन डीके भी कहते हैं, ये आपने बिल्कुल क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ा होगा, बट स्टिल आई एम हेल्पिंग यू एट दिस लास्ट स्टेज। तो चूंकि पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस में होता नहीं तो क्या होता है सर, प्रोटॉन इस वक्त न्यूक्लियस में ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन जो है वो ब्रेक होता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो बाहर आता है, तो इसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। तो अलग क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो बाहर आता है, और उस न्यूक्लियस में अब एक प्रोटॉन कम हो चुका है, इसलिए न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर कम हुआ बट मास नंबर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक प्रोटॉन गायब हुआ एक न्यूट्रॉन तो क्रिएट हुआ, वही इसमें भी हुआ कि अगर सर एक न्यूट्रॉन गायब हुआ प्रोटॉन बढ़ने से एटॉमिक नंबर बढ़ा बट मास नंबर
नंबर पे कोई चेंज नहीं, क्योंकि अगर एक न्यूट्रॉन गायब हो, एक प्रोटॉन क्रिएट हुआ, मास नंबर पे कोई चेंज नहीं, प्लस पॉजिट्रॉन और न्यूट्रोनो बाहर आता है। ये न्यूट्रोनो और एंटी न्यूट्रोनो का कंसेप्ट पॉली ने सजेस्ट किया था और लेटर कन्फर्म भी हुआ, और हमने जो पॉली से पूछा ऐसा क्यों होता है, ये दो रेडिएशन बाहर क्यों आती है, तो उसने कहा इट कम्स आउट ओनली टू कंजर्व एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और उसके बाद गामा डीके हर एक डीके के साथ एसोसिएटेड होता है, चाहे आपका अल्फा डीके हो, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, ये हर एक डीके के साथ एसोसिएट होता है। इसका काम ये होता है, इसमें ना मास नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर, जबकि अल्फा डीके में भी चेंज होता है, एटॉमिक नंबर चेंज होता है, मास नंबर चेंज होता है। बीटा नेगेटिव में आप देखो एटॉमिक नंबर चेंज होता है, मास नंबर सेम रहता है। बीटा पॉजिटिव में भी एटॉमिक नंबर चेंज होता है, मास नंबर सेम रहता है। बट गामा डीके एक ऐसा डीके है जिसमें कोई एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक एक्साइटेड न्यूक्लियस को ग्राउंड स्टेट में लाता है। तो यही है कि एक एस्ट्रिक बनाया है, इसमें एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, एस्ट्रिक मींस एक्साइटेड स्टेट है। ये आ गया वापस एक्स जेड ए, देखो ना एटॉमिक नंबर चेंज हुआ ना मास नंबर, बट साथ में गामा रे फोटॉन निकला। तो यहां फिर से रिकॉइलिंग वाला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि जब फोटॉन बाहर आएगा गामा रे फोटॉन, तो आपका न्यूक्लियस जो है रिकॉइल करेगा, फिर से वही मोमेंटम ऑफ दैट जो न्यूक्लियस आपका है, मोमेंट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, या तो E/c = h/λ। अब देखो कहाँ कहाँ से बच्चे रिकॉइल, मैंने बोहर्स मॉडल में भी रिकॉइल पढ़ाया, फिर आगे जो है बाइंडिंग एनर्जी में रिकॉइल पढ़ाया, अब यहाँ डिकेज में भी जो है रिकॉइल है कि जब फोटॉन गामा रे फोटॉन आगे जाएगा तो न्यूक्लियस जो है डॉटर न्यूक्लियस उसको पीछे रिकॉइल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप द मोमेंटम कंजर्व्ड। उसके बाद जो है ये है आपका गामा रे फोटॉन जो है पीयर प्रोडक्शन है बच्चे, ये आपका जो है इसमें फाइनल हेडिंग है। इसमें पीयर प्रोडक्शन जो होता है, पीयर प्रोडक्शन ये होता है कि जब के पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है, तो हैवी न्यूक्लियस का क्या मतलब है सर, हैवी न्यूक्लियस क्या वो टन्स में होता है, हैवी न्यूक्लियस का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर ज्यादा हो। जब इस पे एक गामा रे फोटॉन हिट करता है, एक गामा रे फोटॉन हिट करता है, बट इस गामा रे फोटॉन हिट करने के बाद यहां पे एक पीयर क्रिएट होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इसको पीयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो पीयर प्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है, पीयर प्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस पे जब गामा रे इंस्टेंट होता है तो एक पीयर क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, इसको पीयर प्रोडक्शन कहते हैं। बट कोई भी गामा सर उठ के एक न्यूक्लियस को, हैवी न्यूक्लियस को हिट करके पीयर जनरेट करता है, बिल्कुल भी नहीं। इस गामा रे का कम से कम एनर्जी होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एम्स में पूछा गया बच्चे वैल्यू, ये आप जो है याद रखेंगे, कम से कम एनर्जी जो है ना, कोई भी फोटॉन उठ के नहीं आ सकता और ये इस पीयर को जनरेट करके देगा, उसका एनर्जी कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर सर कम से कम इतना हुआ तो ये हो जाएगा, अगर इसे कम हुआ तो कोई पीयर प्रोडक्शन नहीं होगा, बट अगर इसे ज्यादा हुआ एक तो पीयर प्रोडक्शन होगा और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इन पार्टिकल्स में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी चली जाएगी, इसका ख्याल रखना। तो वही लिखा मैंने, गामा रे फोटॉन प्लस हैवी न्यूक्लियस देता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स को पीयर प्रोडक्शन कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रे फोटॉन फॉर प्रोडक्शन इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू जो है याद रखेंगे आप। और फिर हर एक काइनेटिक, अगर इससे ज्यादा एनर्जी हुई, अगर इससे ज्यादा एनर्जी हुई 1.20 से, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। तो हर एक पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल हो गया, गामा रे का जो ज्यादा एनर्जी है, तो मैंने लिखा एनर्जी ऑफ गामा रे माइनस मिनिमम एनर्जी, क्योंकि मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए ही चाहिए, तो गामा रे का एनर्जी माइनस मिनिमम जो फिर बचेगा वही उसको डिवाइड बाय 2 करके, इसमें भी आधा काइनेटिक एनर्जी, इसमें भी आधा काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए आपको 1.02 चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, अब आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आया, तो 10 माइनस 1.02 क्योंकि 1.02 पेयर प्रोडक्शन के लिए, डिवाइड बाय 2 जो एनर्जी बचेगा वो एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा। इस फॉर्मूला पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है इसमें रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी देख लीजिए, रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस है जो हमने अभी जो सारा डिस्कस हमने किया, जो अल्फा डीके होता है, बीटा नेगेटिव डीके होता है, बीटा पॉजिटिव डीके होता है, गामा डीके होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि न्यूक्लियस जो हैवियर न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो कंटिन्यूसली कुछ पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, एंड दिस फिनोमेना इन फिजिक्स इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी, जो हेनरी बिक्वायरल ने सबसे पहले डिस्कवर किया। अब ये रेडियो एक्टिविटी में जब जो ये सारे पार्टिकल्स का हमने जो ये पढ़ा, तो इसमें एक चीज ये है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कुछ न्यूक्लियस है जिनका नंबर कुछ एन नॉट है, मतलब इनिशियली आपके पास एक कंटेनर है उसमें एन नॉट के नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, न्यूक्लियस है एन नॉट नंबर इनिशियली जब टाइम जीरो था, एंड जैसे टाइम फिर आगे बढ़ता है तो ये डिके करते हैं, कुछ अल्फा डिके, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, ये जब डिके करते हैं उसी फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, मतलब विद टाइम इनका नंबर कम होना स्टार्ट हो जाता है और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। तो इक्वेशंस को जो गाइड करती है, आपने केमिस्ट्री से लेके फिजिक्स में पढ़ी होगी, इट इज एन इज इक्वल एन नॉट ई रेस पावर माइनस लैम्डा टी, तो ये है इनिशियल नंबर इज एन नॉट और जो फिर आपके पास बचा है ई रेस पावर माइनस लैम्डा टी, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड एज डिके कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल। हर एक का अपना ये होता है टी
हो गया वो टाइम, और चूंकि एक्सपोनेंशियल डिग्रीज है इसीलिए जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे किसमें, एन वर्सेस टाइम में, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम में, देयर विल बी एन एक्सपोनेंशियल डिग्रीज। तो इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एन नॉट थे जब टाइम जीरो था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे एक एक्सपोनेंशियल डिग्रीज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में होगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जिसे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं, इनिशियली आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट थे, और फिर एक टाइम आता है जिसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ मैंने टी हाफ लिखा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एन नॉट बाय 2 होते हैं, और एक हाफ लाइफ आता है तो इसका अब आधा हो जाएगा एन नॉट बाय 4, और एक हाफ लाइफ आएगा एन नॉट बाय 8, और एक हाफ लाइफ आएगा एन नॉट बाय 16। ये फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, भले ही बुक्स में नहीं लिखी होती है बट हमारे न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व होते हैं हर हाफ लाइफ के बाद। तो कोई पूछे हाफ लाइफ क्या होता है, आप बोलना वो टाइम जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो बचे, जो बचे आपके पास न्यूक्लियस वो आधे, या जो डिके हो जाए वो भी आधे। तो मतलब हाफ लाइफ का इक्वेशन होता है एक्चुअली, हाफ लाइफ का होता है 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, और लैम्डा इज कॉल्ड एज डिके कांस्टेंट। ये भी आप याद रख सकते हो, इससे भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता, मैं इस कंसेप्ट से ही काम चलाता हूं कि हर बार आप आगे जो बढ़ोगे तो पिछले कंसंट्रेशन का आधा आपका आगे चलेगा। उसके बाद ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, ये एन जो है इट इज लेफ्ट, कितने बचे हैं आपके पास, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली एन इज इक्वल एन नॉट 1/2 रेज पावर एन, एन हो गया बराबर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, याद रखना एन हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ है जो मैंने ऊपर लिखा। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे 1, 2, 3, अगर यहीं पे स्टॉप हुआ तो 3 हाफ लाइफ है, अगर 16 पे चला एन नॉट बाई 16 तो 4 हाफ लाइफ है, और न्यूमेरिकली होता है बराबर टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ पीरियड। ये याद रखो, आप ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो एन इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ और एन होता है बराबर टोटल टाइम बाई हाफ लाइफ। ये एक इंपॉर्टेंट सेटअप इक्वेशंस है, ये आपको याद होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, तो हर हाफ लाइफ के बाद आधा रह जाता है, और देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लेफ्ट एंड इनिशियल, इट इज एन इज इक्वल एन नॉट 1/2 रेज पावर एन, एन होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो होता है टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड। तो ये आप जो है ये सेट याद रखें, मैं इस पे आपको न्यूमेरिकल जो है लगा के दिखाता हूं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, द आइसोटोप यूरेनियम, आपके पास आइसोटोप है यूरेनियम 92, 238 यूरेनियम आइसोटोप है, ये डिके हुआ किसमें, पहले थोरियम में डिके हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 234, फिर वो डिके हुआ बेरियम, उसका एटॉमिक नंबर जो है 91, इट इज 234, फिर वो डिके हुआ यूरेनियम 92, 234, वो डिके हुआ थोरियम कितना 90, 230 एंड सो ऑन। तो हमें बोलना है कि हर डिके में कौन कौन सा पार्टिकल बाहर आया। अब जिसको नॉलेज अच्छी है वो आराम से कर सकता है। अगर आप देखोगे यहां एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज हुआ मास नंबर 4 से, तो यहां अल्फा डिके हुआ। अगर आप यहां देखोगे एटॉमिक नंबर बड़ा, एटॉमिक नंबर बड़ा मास नंबर सेम रहा, तो यहां बीटा डिके होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर बड़ा मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब। अगर आप देखोगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया बच्चे, यहां देख लीजिए आप, यहां देख लीजिए आप, मैं यहां दिखाता हूं आपको, देखो एटॉमिक नंबर इस प्रोसेस में बढ़ता है Z प्लस 1, तो ये तो बीटा नेगेटिव डिके है, बीटा पॉजिटिव में एटॉमिक नंबर घटता है बट मास नंबर सेम रहता है। तो ये चीज आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे बीटा डिके हुआ है, तो अगर कोई एग्जैक्ट पूछे तो आप बोलोगे बीटा नेगेटिव डिके हुआ है। फिर देख लो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बड़ा है, फिर से बीटा डिके क्योंकि मास नंबर सेम। फिर देखो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट्स कम हुआ, मास नंबर 4 यूनिट्स अल्फा, तो इसका सीरियल होना चाहिए अल्फा बीटा, बीटा एंड अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा एंड अल्फा एंड सो ऑन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसमें अल्फा है और फिर जो है बाकी सीरीज। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 220 इनिशियली एट रेस्ट इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। तो एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 220 इनिशियली रेस्ट पे अल्फा पार्टिकल जो है रिलीज करता है, द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, देख लीजिए जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्यू वैल्यू इज प्रोवाइडेड, इट इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर इनिशियली तो ए दिया गया है, उसने अल्फा पार्टिकल रिलीज किया, तो आपको बोलना है देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब लॉजिक से चलिए, आपको काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का निकालना है। मैंने बोला था इनवर्स रिलेशन टू द मास, अल्फा पार्टिकल का मास है तो न्यूक्लियस का मास ऊपर आ जाएगा, जो डॉटर न्यूक्लियस है वो होगा 220 - 4, अल्फा पार्टिकल का नीचे मास आएगा, वो टोटल मास नंबर तो 220 है बच्चे, 220 मल्टीप्लाइड बाय हो गया क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू का वैल्यू है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है तरीका, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया, क्योंकि इनवर्स मास रिलेशन है, न्यूक्लियस का मास जो डॉटर होगा वो होगा a - 4, क्योंकि अल्फा डिके में जो मास बचेगा वो a - 4 होगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय क्यू वैल्यू। अभी आप पीछे देखिए, अब आप देख लीजिए खुद ही ए दिया है 220, तो ये हुआ 220 - 4, नीचे टोटल 220 मल्टीप्लाइड बाय क्यू वैल्यू, वही मैंने यहां लिखा। तो अब आप देख लीजिए ये हो गया 216 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे बचा है, अब आप आराम से इसको कर सकते हो एंड यू कैन गेट द आंसर। बट ये क्यू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद जो अब आपका क्वेश्चन है, दैट इज ए गामा रे फोटॉन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन पॉजिटॉन पेयर। तो आपका एक गामा रे फोटॉन, तो वो तो वही हो गया कि एक हैवी न्यूक्लियस है पेयर प्रोडक्शन का,
एक गामा रे फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर क्रिएट किया, तो गामा रे फोटोन यहां से आया और ऐसा हुआ द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट हुआ, बट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दिया है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका भी एनर्जी जो है, क्योंकि पेयर में ये बराबर एनर्जी होना चाहिए, इस गामा रे फोटोन का जो एनर्जी है वो होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन का 0.5 है, पॉजिट्रॉन का 0.5 है, टोटल हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो टोटल एनर्जी है, तो इस गामा रे का फोटोन का एनर्जी हमें पता चला ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कैसे पता चला? जो इलेक्ट्रॉन का है उतना ही पॉजिट्रॉन का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास बराबर होता है, तो एनर्जी भी बराबर होनी चाहिए, 0.5 0.51। तो आपने तो अभी पढ़ा है सर 1.02 वो एक्चुअल प्रोसेस है, बट यहां एक क्वेश्चन क्रिएटेड है कि ऐसा गामा रे फोटोन आया जिसने ऐसा इलेक्ट्रॉन और ऐसा पॉजिट्रॉन का एनर्जी क्रिएट कर दिया, मतलब मास क्रिएट कर दिया, तो एनर्जी अकॉर्डिंगली जो है, तो इसलिए इस गामा रे फोटोन का एनर्जी 1 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन सिस्टम जो है, जब वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन सिस्टम निकला उनका काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड है, हमसे पूछ रहा है एनर्जी ऑफ गामा रे फोटोन। अगर आप कंसेप्चुअल हिसाब से चलेंगे तो एनर्जी ऑफ गामा रे फोटोन होना चाहिए, एनर्जी ऑफ गामा रे फोटोन होना चाहिए, एक तो ये मिनिमम एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का है 0.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी द राइट आंसर, 1.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी, क्योंकि कम से कम एनर्जी 1 होनी चाहिए और तब पेयर प्रोडक्शन होगा और जो एक्स्ट्रा है वो काइनेटिक एनर्जी में है। तो गामा रे फोटोन का टोटल एनर्जी कितना है? वो आ गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.78, तो 1.78, तो 1 चला गया इसमें 0.5, इसमें 0.5 और एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पीयर प्रोडक्शन से आपसे पूछा जा सकता है, या आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी जो है ईच पार्टिकल का वो होता है एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस मिनिमम एनर्जी डिवाइड बाय 2 से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कंसेप्चुअल था ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है दैट दिस Ra87221 रेडियम अंडरगोज रेडियो एक्टिव डीके विद अ हाफ लाइफ ऑफ 4 डेज, तो इसका हाफ लाइफ 4 डेज है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेडियम न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट इन 8 डेज। तो आप पहले ही देख लो ये आपका t डिवाइड बाय t हाफ दे चुका है, t दिया है 8 डेज और t हाफ जो है हाफ लाइफ दिया है 4 डेज, तो n का वैल्यू 2 आ गया है। तो लेफ्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो होता है n नॉट 1/2 रेस्ट पावर n, तो ये हो गया लेफ्ट कितने न्यूक्लियस है, बचे हुए कितने हैं, n नॉट इट इज 1/2 रेस्ट पावर 2, ये हो गया n इज इक्वल टू n नॉट बाय 4, तो ये बचे हुए न्यूक्लियस इतने हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है डिके कितने हुए हैं, डिके कितने हुए हैं, तो जो डिके हुए हैं, जो डिसइंटीग्रेट हुए हैं, दिमाग कहता है वो हमेशा n माइनस दिस n नॉट दैट डिके हुए जो है वो n नॉट इनिशियल जो था, और आप जो बचा हुआ n नॉट बाय 4 दैट इज 3/4 ऑफ n नॉट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 3/4 ऑफ n नॉट इज द राइट आंसर। तो पहले आप देख लीजिए, आपने पहले n निकाला और फिर आपने निकाला, क्योंकि मैंने बोला ये फार्मूला जो है इट इज लेफ्ट कितने आपके पास बचे कितने, बट ये लेफ्ट कहां पूछ रहा है, तो मैंने पहले लेफ्ट निकाला, फिर आपसे पूछ रहा है डिसइंटीग्रेट कितने हुए, तो दिमाग कहता है ना n नॉट में से जो लेफ्ट है वो माइनस कर दो, जो बाकी बचे वो कहां चले गए, वो डिसइंटीग्रेट होके चले, तो 3/4 शुड बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आप ख्याल रखिए। इसी तरह रेडियो एक्टिव सैंपल कैन डीके बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस, तो एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जो दो प्रोसेसेस से डीके हो रहा है, दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इज T1, तो पहले अगर इस प्रोसेस से चला गया, इस प्रोसेस से चला गया, उसका हाफ लाइफ T1 है, एंड दैट फॉर द सेकंड प्रोसेस, अगर इस प्रोसेस से चला गया तो हाफ लाइफ T2 है, द इफेक्टिव हाफ लाइफ T ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल। तो अगर ये कंबाइंड है तो ये इस प्रोसेस का T1 है, इसका T2 है, तो कंबाइंड इनका जो T है हाफ लाइफ वो किसके बराबर है, तो मुझे बोलो अगर ये दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चला तो इसका जो इफेक्टिव जो डीके कांस्टेंट होता है वो हमेशा होता है λ1 + λ2, तो रिमेंबर दैट, अगर दो डिफरेंट प्रोसेस से चला जाता है तो जो लैम्डा इफेक्टिव जो डीके कांस्टेंट होता है वो इस प्रोसेस का λ1 + इस प्रोसेस का λ2 होता है। बट आप जानते हैं मैंने अभी आपको पढ़ाया टी हाफ होता है बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहां पे, तो लैम्डा जो है वो टी हाफ के इनवर्स है, तो 0.63 छोड़ दीजिए तो ये बनेगा 1/T इक्विवेलेंट, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी हाफ, तो कंबाइंड प्रोसेस का टी हाफ टी से डिनोट किया गया है, तो टी मैंने आपके लिए टी इक्विवेलेंट लैम्डा 1 के बदले में लिख सकता हूं 1/T1 + λ2 के बदले में 1/T2 लिख सकता हूं, बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/T जो है ये आ जाएगा T1 + T2 डिवाइडेड बाय T1 T2, बट आपको जो है T1 T2 आपको टी चाहिए, तो या 1/T ही चाहिए, देख लीजिए टी चाहिए बच्चे, तो टेकिंग रेस्पोकल आपका आंसर आना चाहिए T1 T2 / T1 + T2 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो T1 T2 या आप देख लीजिए सीधे सेकंड ऑप्शन, आप मैंने ज्यादा कैलकुलेशंस में आगे ले लिया, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, तो 1/T इज इक्वल
रिजल्ट, 1/t इज इक्वल टू 1/t1 + 1/t2। देख लीजिए वो आपको चार मार्क्स देना चाहता हो और आप बहुत आगे जाना चाहते हो, हमने इसको पूरा फिर सॉल्व कर दिया, बट जो लास्ट ऑप्शन है वो इनमें से कोई मैच नहीं करता, तो वो यहीं रुक गया था और यहीं पर आपका आंसर उसको चेक करना था कि आपको पता है कि दो डिफरेंट प्रोसेस का लैम्डा इक्वलेंट होता है, लैम्डा 1 + लैम्डा 2, एंड यूजिंग द लॉजिक यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है मिक्सचर कंसिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस पे आप नजर रखना, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू रेडियो एक्टिव मटेरियल्स A1 और A2। एक मिक्सचर है जिसमें दो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, मतलब आपके पास एक बर्तन है जिसमें दो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, एक का नाम A1 है दूसरे का नाम A2 है, विद हाफ लाइफ, A1 का हाफ लाइफ 20 सेकंड है और A2 का हाफ लाइफ 10 सेकंड है रेस्पेक्टली। इनिशियली द मिक्सचर इज 40 ग्राम ऑफ A1 एंड 160 ग्राम ऑफ A2, द अमाउंट ऑफ द टू इन द मिक्सचर विल बिकम इक्वल आफ्टर। देख लीजिए इस क्वेश्चन का एक स्पेशल तरीका है, लोग तो करते हैं इसको एक एक आधे आधे पेज पे, बट मैं एक आधा पेज नहीं बिल्कुल एक छोटे से कंसेप्ट सॉल्व करता हूं। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी तो आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस इसी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं लूं ए मिक्सचर में A1 है और मिक्सचर में A2 है, इसका हाफ लाइफ बच्चों दिया है टी हाफ, इसका दिया है कितना, इसका हाफ लाइफ दिया है 20 सेकंड्स, ख्याल रखेंगे इसका हाफ लाइफ 20 सेकंड्स दिया, और इसका हाफ लाइफ भी दिया है और वो दिया है मेरे बच्चों 10 सेकंड्स। तो और ये कहा गया है कि इनिशियली इसके जो है A1 जो है उसके जो है 40 ग्राम है, तो इनिशियली इसके मैं डिफरेंट कलर से यहां लिखना चाहूंगा, ये जो है इनिशियली 40 ग्राम का है और इसका जो इनिशियली है वो 160 ग्राम है। तो अब आप बोलो कि किस टाइम के बाद ये इक्वल बन जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन इक्वल बन जाएगी। तो फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, कांसेप्ट यूज करिए। मुझे बोलिए पहले हाफ लाइफ 20 सेकंड के बाद कितना बचेगा, जो मैंने अभी बोला आधा इसका, तो 20 ग्राम बचेगा, फिर और एक हाफ लाइफ आ जाएगी, हाफ लाइफ कितनी सेकंड की है 20 सेकंड की, कितना बच जाएगा 10 ग्राम, इसका आधा, फिर एक हाफ लाइफ आएगी, ऐसे चलते हैं इसमें, हाफ लाइफ 20 सेकंड का कितना बचेगा 5 ग्राम, और आप कंटिन्यू कर सकते हो इन द सेम फैशन। ये 160 ग्राम है तो 10 सेकंड हाफ लाइफ के बाद जो है वो 80 ग्राम बचेगा, तो क्योंकि आधा है, फिर 10 सेकंड के बाद बात करेंगे तो इसका आधा जो है वो 40 ग्राम होता है, फिर 10 सेकंड की बात करते हैं तो इसका आधा बचेगा वो 20 ग्राम होता है, फिर 10 सेकंड की बात करते हैं बच्चों तो इसका आधा बचेगा वो 10 ग्राम होता है, और ऐसे आप चलो जब तक आपकी रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्या है, बोलता है वो टाइम बोलो जब इनकी कंसंट्रेशन बराबर हो, वो टाइम बोलो जब इनकी कंसंट्रेशन बराबर हो। सर इनकी कंसंट्रेशन जो है बराबर कब होगी, तो यहां पे देख लीजिए, यहां तो बराबर नहीं है, यहां पे 10 ये है और यहां पे 5 20 है। अब आप देख लीजिए सर, यहां पे आप एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे कि यहां पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 ग्राम हो गया सर, हाँ बिल्कुल 10 ग्राम हो गया, तो यहाँ पे भी जो है 10 ग्राम हो गया, बिल्कुल 10 ग्राम हो गया। तो आप देखो ऊपर वाले केस में 10 ग्राम बनने में कितने सेकंड्स लगे, 20 + 20 = 40, तो नीचे वाले प्रोसेस में 10 ग्राम बनने में कितना लगा, तो 10 + 10 हो गए 20, 30 और 40, बिल्कुल, तो ऊपर भी 40 नीचे भी 40, तो कॉमन टाइम वो जो है वो 40 सेकंड के बाद इक्वल हुआ। बट कोई बच्चा यहाँ क्वेश्चन रेज कर सकता है, सर आप बड़े चालाक हो, यहाँ 20 हुआ था, यहाँ पे भी 20 हुआ था, इसकी बात क्यों नहीं की। बच्चे अगर यहाँ 20 हुआ था तो 20 सेकंड लगे थे, बट यहाँ 20 होने में 10 + 10 + 10 30 सेकंड हुए, डिफरेंट टाइम नहीं हो सकता, टाइम इज सेम, दैट इज व्हाई आप वो टाइम चूज करके चलो जो कॉमन हो। इसीलिए इस 20 और इस 20 को मैं नहीं लिया, मैंने 10 और 10 को लिया, क्योंकि इस 10 और उस 10 को बनने में 40 सेकंड ऊपर 40 सेकंड ऊपर नीचे, इसीलिए इसका आंसर जो है 40 सेकंड। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप जो है करके जाएंगे। फ्रॉम ए न्यूली फॉर्मड रेडियो एक्टिव सबस्टेंस हाफ लाइफ इज 2 आवर्स, एक न्यूली फॉर्मड रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है, एक न्यूली फॉर्मड रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है जिसका हाफ लाइफ प्रोवाइडेड है। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज 64 टाइम्स द परमिसिबल सेफ लेवल, मतलब जो परमिसिबल सेफ लेवल है उससे आपका इंटेंसिटी 64 टाइम्स ज्यादा है, तो ये तो तबाही है। मतलब अगर सेफ लेवल आपका आई है, अगर आपका इंटेंसिटी जो सेफ लेवल है जो वो रेडिएट कर रहा है रेडिएशंस, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज 64 टाइम्स द परमिसिबल सेफ लेवल, अगर सेफ लेवल आई है तो उसका लेवल 64 टाइम्स आई है, तो मतलब 64 टाइम्स आई जो है उसकी लेवल है, द मिनिमम टाइम आफ्टर व्हिच यू कैन वर्क विद दैट इज। तो आप हमें बोलो कितना टाइम जो है कम से कम चाहिए कि आप उसके साथ काम कर सकते हो, मतलब आप चाहते हो कि वो आई तक पहुंचे, क्योंकि आई जो है ये सेफ लेवल है, मैं ये बिलीव करके चलता हूं ये सेफ लेवल ये है, तो जब ये यहां पहुंचेगा तब आप इसके साथ काम कर सकते हो, और इस वक्त जो इंटेंसिटी वो 64 टाइम्स है तो इसके साथ आप काम नहीं कर सकते। वो बोलता है कितने टाइम के बाद आप इसके साथ काम कर सकते हो, तो इसमें भी लोग फार्मूला यूज करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट जो वही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया। देखो जब पहला हाफ लाइफ आएगा तो ये कितना जाएगा 32 टाइम्स आई, फिर एक हाफ लाइफ आएगा बच्चे, फिर एक हाफ लाइफ आएगा तो ये बचेगा 16 टाइम्स आई, आधा आधा करते जाओ जो मैंने पीछे पढ़ाया आपको, फिर एक हाफ लाइफ आएगा तो ये बचेगा 8 टाइम्स आई, फिर एक हाफ लाइफ आएगा बच्चे तो ये बचेगा 4 टाइम्स आई, फिर एक हाफ लाइफ आ जाएगा, फिर एक हाफ लाइफ आ जाएगा बच्चे तो ये बचेगा 2 टाइम्स आई, फिर एक हाफ लाइफ आ जाएगा बच्चे और ये बचेगा आई, तो ये हो गया ना सेफ लेवल। अब आप हाफ लाइफ गिनो, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई, एक हाफ लाइफ का वैल्यू है 2 आवर्स, तो 12 घंटे के बाद आप इसके साथ काम कर सकते हो। होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं की, मैंने बिल्कुल वो सिंपल कंसेप्ट हाफ लाइफ का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन है आपका
आफ्टर 300 डेज ऐसी फिल्म एक आई थी, वो बहुत डराती थी, बचपन में मैंने देखी थी। आफ्टर 300 डेज एक लाश जो है दीवार के पीछे मिलती है, वो उसने मार दिया होता अपनी पत्नी को। बट ये हमारे रेडियो एक्टिव सैंपल का क्वेश्चन है। आफ्टर 300 डेज द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 500 DPS। DPS डजंट मीन इट्स दिल्ली पब्लिक स्कूल, इट इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, इसका ख्याल रखे। द एक्टिविटी बिकम्स टू 2500 DPS आफ्टर अनदर 150 डेज द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। ये ऐसी बात हो गई कि ये कहना चाहता है कि 300 डेज के बाद एक रेडियो एक्टिव सैंपल, आफ्टर 300 डेज 300 दिनों के बाद एक रेडियो एक्टिव सैंपल की जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है दैट इज 5000 DPS। तो मान लीजिए इनिशियली जो था वो N0 था, इनिशियली N0 था, 300 दिन पहले की कहानी N0 थी, 300 दिन के बाद हमारे पास कहानी विजिबल है। फिर बोलता है एक्टिविटी बिकम्स 2500 DPS आफ्टर अनदर 150 डेज, तो मतलब 150 दिन के बाद एक्टिविटी 2500 DPS बनी, 2500 DPS बनी। इसको भी लोग फॉर्मूला से सॉल्व करते, कोई फॉर्मूला नहीं बच्चे, रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन आप इन कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं और आपको लगेगा कुछ याद करने की जरूरत नहीं और सबसे आसान क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो हमें क्या पूछ रहा है ये, द एक्टिविटी बिकम्स 2500 DPS आफ्टर अनदर 155 डेज द इनिशियल एक्टिविटी। तो हमसे वापस 300 दिन पहले जाने की बात चल रही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लो बच्चे, अगर ये 5000 से 2500 पे आ गया और ये जो है हाफ आधा आधा हो गया तो ये डेफिनेटली आपको बोलना चाहते हैं हाफ लाइफ है। ऐसे नहीं बोल रहा है न्यूमेरिकल में हाफ लाइफ है बट कंसेप्ट देखना चाहता आपका, 5000 DPS से आप 2500 DPS पे आ गए तो जब ऐसा हुआ तो आपका जो है वो आपको हाफ लाइफ 150 दिन दे चुका है। अब मुझे बोलो N0 से 5000 DPS तक 300 डेज है तो मतलब दो हाफ लाइफ है, एक हाफ लाइफ 150 दिन की है फिर से एक हाफ लाइफ जो है 150, तब तो दो हाफ लाइफ आ जाएंगी। तो मुझे बोलो N0 से पहली हाफ लाइफ तक अब क्या बचेगा आपके पास, N0/2 जो मैंने स्टार्ट में बोला इंपॉर्टेंट है, फिर 150 दिन के बाद अब जो आप यहां पर आ जाओगे तो ये बचा होगा N0/4। तो ये N0/4 जो है वो बोलना चाहता है वो 5000 DPS है, तो मतलब N0/4 आपका 5000 DPS है, तो N0 आपका जो है 20000 DPS आंसर होना चाहिए इसका। तो 20000 DPS देखिए आप बिल्कुल कंसेप्ट, प्योर कंसेप्ट मैंने इसको सॉल्व किया कि हाफ लाइफ ये हो गया 150, तो 300 दिन में दो हाफ लाइफ है। N0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो N0/2 फिर N0/4 N0/4 तो 5000 DPS दिया मल्टीप्लाइड बाई 4 आपका N0 आ चुका है वो है 20000 DPS। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो है इसका और एक क्वेश्चन है रेडियो आइसोटोप एक्स, पहले मैं देखना चाहूंगा आगे क्या है, उसके बाद और एक क्वेश्चन है और फिर बच्चे फिर एक ब्रेक है, अब दो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं बस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन विच हैव सिलेक्टेड इन दिस सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस। ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स विद हाफ लाइफ दिस, हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स है जिसका हाफ लाइफ दिया है एंड डिकेज ऑफ वाई, ये वाई में डिके हुआ, तो एक्स जो है वो वाई में डिके हो चुका और हाफ लाइफ हमें दिया गया है। ए सैंपल ऑफ द रॉक, फिर हमने एक सैंपल निकाला रॉक का, बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिव डेटिंग के हिसाब से। ए सैंपल ऑफ द रॉक फ्रॉम द केव, एक केव से हमने एक रॉक निकाली, वॉज फाउंड टू कंटेन एक्स एंड वाई इन द रेशियो, तो हमें एक केव से एक्स और वाई का जो है क्योंकि x y में डिके हो रहा है, जब हमें एक पत्थर मिला केव से तो उसमें x और y का रेशियो 1:7 था, हमें बोलना था एज ऑफ द रॉक क्या है। तो कोई मसला ही नहीं बच्चे, आप इसमें आराम से सॉल्यूशन में देख सकते हो, मतलब nx plus ny जब ये डिके हो रहा था वो n0 के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन कहां से लाया आपने सर, बहुत ही आसान है क्योंकि x y में डिके हो रहा है और जब पत्थर केव से मिला तो रेशियो ये था, मतलब उसमें उस पत्थर में x भी है और y भी है, पूरा x अभी y में डिके नहीं हुआ, बट जो nx कंसंट्रेशन होगी nx का जो बचा हुआ होगा प्लस ny जो बना हुआ होगा, तो ये बचा हुआ और ये बना हुआ वो इनिशियल N0 के बराबर होना चाहिए क्योंकि इनिशियली जो था X का मटेरियल था वो पूरा का पूरा इंटैक्ट था, वो N0 के बराबर होना चाहिए। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। और उसके बाद कहना चाहता है कि NX by NY का जो रेशियो हमें मिला दैट इज 1:7, तो मुझे बोलो NY किसके बराबर हुआ, NY हुआ बराबर 7 times NX, और हाफ लाइफ X की है इसलिए इस NY को उठा के यहां ड्रॉप करते हैं, तो मैं लिखूंगा NX plus NY के बदले में लिखूंगा 7 times NX इज equal to N0। मुझे बोलो ये हुआ 8 times NX is equal to N0, तो मुझे बोलो NX किसे बराबर हुआ बच्चों, N0/8। खेल खत्म, इतना ही काफी था। सर अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व हो गया बच्चों, कैसे NX हो गया N0/8, मतलब अगर इनिशियली था N0 फिर ये आधे हाफ लाइफ के बाद कितना हुआ होगा, देखो हर क्वेश्चन में मैं वही कांसेप्ट ला रहा हूं जो मुझे आता है, N0/2 फिर हाफ लाइफ के बाद कितना हुआ होगा N0/4 फिर हाफ लाइफ के बाद कितना हुआ होगा N0/8। अब आप मुझे बोलो जब आप N0/8 पे आ गए तो कितनी हाफ लाइफ्स लगी, 1 2
15 एक हाफ लाइफ दिया है तो टोटल टाइम होना चाहिए 3 × 1.4 × 10⁻¹⁹ तो ये हुआ 4 × 3 = 12 3 × 1 = 3 = 4 4.2 × 10⁻¹⁹ शुड बी द राइट आंसर 4.2 × 10⁻¹⁹ इज द राइट आंसर। तो बच्चे अगर आप देखोगे रेडियो एक्टिव का हर एक क्वेश्चन जो है मैंने इसी कंसेप्ट से जो है सॉल्व किया जिसमें मैंने बोला कि हर हाफ लाइफ के बाद आपकी कंसंट्रेशन प्रीवियस के कंपैरिजन में आधी होती है। तो ये रेडियो एक्टिव डेटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, रॉक लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है। उसके बाद ये और एक लास्ट क्वेश्चन है, आप हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस 30 मिनट्स, हाफ लाइफ 30 मिनट्स है, द टाइम इन मिनट्स टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देख लीजिए बच्चे, आपके पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसका हाफ लाइफ दिया है, तो ये मैं लिख के रखूं हाफ लाइफ आपको 30 मिनट्स प्रोवाइडेड है, इट्स प्रोवाइडेड, द टाइम इन मिनट्स आपको बोलना कितना टाइम बिटवीन 40% डीके। देख लीजिए अगर आपके पास एक मटेरियल एक्स है तो 40% डीके जब हुआ, अगर आपके पास 40% डीके हो चुका है तो लेफ्ट कितना है, हम डीके की बात नहीं लेफ्ट, तो 40% डीके में आपके पास लेफ्ट जो है वो 60% है, लेफ्ट जो है वो 60% है। और हमारे पास इक्वेशन है n इज इक्वल टू n नॉट, इट इज 1/2 raised to power n, n होता है टोटल टाइम, मैं मानता हूं यहां से यहां तक जो वक्त लगा दैट इज t1, तो इट इज t1/t½, क्योंकि आप जानते हो कि x से 40% डीके तक बचा कितना है सर 60%, तो मैंने बचे हुए के लिए यूज की इक्वेशन n इज इक्वल टू n नॉट 1/2, टाइम लगा t1/t½ वो तो कॉमन होता है, अब बचा हुआ कितना है वो 60% ऑफ n नॉट हो गया, तो मैं लिखूंगा 60/100 ऑफ n नॉट कट जाएगा, 40% को छोड़ के हम लेफ्ट पे आ जाते हैं और ये आ गया 1/2 raised to power, इट इज t1/t½। अब आप देख लो 0 0 कट गया, 2 3 6 2 5 10, इट इज 3/5, तो मैं लिख के रखूं यहां पे इट इज 3/5, इट इज 1/2 raised to power, इट इज t1/t½, t½ का वैल्यू हम लास्ट में ड्रॉप करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डेवलप हुई। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि अब 85% डीके हुआ, तो फिर 85% डीके पे चला गया, फिर ये मटेरियल जो है 85% डीके पे, अगर 85% डीके पे चला गया बच्चे तो वहां तक तो कुछ टाइम t2 लगा होगा, तो वहां तक तो कुछ टाइम t2 लगा होगा 85% डीके तक, बट लेफ्ट क्या है, तो यहां मैं बात करूंगा लेफ्ट क्या है, लेफ्ट जो है वो 15% है, तो मैं 15% के हिसाब से जाऊंगा, तो इट इज 15/100 क्योंकि n नॉट कट गया 1/2 और वहां तक जो टाइम लगा दैट इज t2/t½, ये इसका अप्रोच रहता है, तो इट इज 5 3 = 15 एंड 5 2 = 10, ये 0 हो गया, 5 3 = 15, 5 2 = 10, इट इज 0, तो ये बना 3/20 बच्चे 3/20, मैं लिखूं यहां पे 3/20 इज इक्वल 1/2 raised to power, इट इज t2/t½, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, खेल खत्म। अब मुझे बोलो, आपको बोलना इन दो के बीच में, हमें ये नहीं निकालना है द टाइम इन मिनट्स टेकन बिटवीन, इन दो के बीच में, अब मुझे बोलो यहां से यहां तक t1 लगा, यहां से यहां तक t2 लगा, तो t2 - t1 आपको डिफरेंस देगा, खेल खत्म, क्योंकि t1 यहां तक लगा, t2 यहां तक लगा, t2 - t1 जो है इन दो के बीच का वक्त आ जाएगा, दैट इज t2 - t1, वो हम इन दो इक्वेशंस को जो है यूज करके निकाल देंगे। अगर मैं डिवाइड कर दूं सेकंड बाय फर्स्ट, इफ आई डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, अगर सेकंड बाय फर्स्ट को डिवाइड कर दे सेकंड बाय फर्स्ट, तो आप देख लीजिए सेकंड बाय फर्स्ट डिवाइड करने पे मुझे एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी बच्चे, आई हैव टू ऐड अ स्लाइड हियर, हाँ बिफोर दैट ब्रेक आई हैव टू एड अ स्लाइड हियर। तो पहला इक्वेशन है आपका 3/5, 3/5 1/2, 3/5 1/2, मैं लिखूँ यहाँ पे पहला इक्वेशन है आपका 3/5 इज इक्वल टू 1/2 raised to power, इट इज t1/t½, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड जो आपका है, इक्वेशन सेकंड बच्चों आपका जो है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, वो है 3/20, इट इज 3/20, इट इज 1/2 raised to power, इट इज t2/t½। अब आप आराम से कर सकते हो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, इसमें आपकी बलाई है डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट करने पे ही, तो आप देख लीजिए सेकंड बाय फर्स्ट हो गया, इट इज 3/20 और वो ऊपर चला जाएगा 3/20 / 3/5 ऊपर जाएगा, तो बनेगा 5/3 इज इक्वल बच्चों सेकंड बाय फर्स्ट है तो इट इज 1/2 सेकंड बाय फर्स्ट है, तो सेकंड बाय फर्स्ट तो ये आएगा t2 - t1, जब ये ऊपर जाएगा t हाफ इज कॉमन, इतना आप जानते हो, तो यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, 5 4 = 20, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, मतलब पावर आप बैलेंस कर सकते हो क्योंकि 1/2 है, तो t2 - t1/t½ जो है वो 30 मिनट्स का था, t हाफ दिया था इज इक्वल टू 2, तो मुझे बोलो डिफरेंस जो है t2 - t1 जो है 60 मिनट्स शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो आपका आंसर जो है वो आ चुका है 60 मिनट्स। आप आराम से एक बार देख लीजिए 40% डीके तक हमारे पास फॉर्मूला बची हुई है, 60% इक्वेशन डेवलप हुई, फिर 85% डीके तो हो गया है, बचा कितना है 15%, उसके हिसाब से इक्वेशन सेकंड, तो यहां से यहां तक t1 लगा, यहां से यहां तक t2 लगा, बट डिफरेंस आपको ये चाहिए
चाहिए, इन दो में कितना टाइम लगा, दैट्स t2 - t1. मैंने डिवाइड दो इक्वेशंस को किया एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस. एंड इसके साथ जो है लेक्चर 1 मेरा जो कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर 2 जो है हम शॉर्टली जो है आज ही आपका लेक्चर 2 भी आ जाएगा, बट मैं कुछ ब्रेक लेना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूं. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस फर्स्ट सेशन. सेकंड सेशन जो है शॉर्टली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.